जाना है, लेकिन मुझे और अब चूंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता हूँ तो अब मुझे आइडिया हो गया कि जी ये इंटरचेंज का डिस्टेंस कितना है, दूसरे इंटरचेंज कितने इंटरचेंज आते हैं, कहाँ कहाँ से एग्जिट होते हैं और कितना इंटरमीडिएट डिस्टेंस है। तो बेसिकली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ हाउ टू से रोड लर्निंग। इसी तरह आप में से जो गाड़ी ड्राइव करते हैं और दे आर फेमिलियर विद, जिस तरह आप अपने घर से किसी जगह अपने भाई की तरफ जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो वो क्या है कि वो आपके पास रोड लर्निंग आ जाती है कि ये मेरा पाथ है, ये मेरा रूट है, इस पर मैंने जाना। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि ट्रेन में जो है क्रू को आपने रोड लर्निंग बतानी है। अब रोड लर्निंग आपको भी अंदाजा होता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं कि फलां ट्रैफिक सिग्नल जो है वो कम से कम 1 मिनट बंद रहता है, फलां ट्रैफिक सिग्नल जो है फ्रीक्वेंट खराब रहता है, फलां ट्रैफिक सिग्नल का इंटरवल जो है 15 सेकेंड है, सो आई हैव टू एटलीस्ट मतलब क्रॉस दिस इंटरसेक्शन में भी इन मुझे 5 मिनट लग जाते हैं। फिर आपको ये भी पता होता है कि किस टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक चौक हो जाती है, किस टाइम पे ईज होता है, मीन्स ऑल फैक्टर्स। एग्जैक्टली उसी तरह जो ट्रेन है उसमें भी जो क्रू होते हैं उनको मैंने बताया था कि जब वो इनिशियली असिस्टेंट ड्राइवर बनता है, फिर उसके बाद वो प्रमोट होकर जब शंटर बनता है, शंटर से जब वो ड्राइवर वाली स्टेज पे आता है, तो उसका 5,000 माइल तो उसने सिर्फ इंजन पे बैठ के सारा अपना रूट उससे एक्लेमेटाइज फेमिलराइज होना है कि जी ये मैंने कहाँ पे, और वो उसमें क्या है ट्रैक कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ द सिग्नल्स, लोकेशन ऑफ द सिग्नल्स, अच्छा फिर उसके बाद टाइप ऑफ कर्व्स, फिर उसके बाद यार्ड्स का क्या है, वहाँ पे कितनी लाइनें हैं, किस किस पे अप डाउन का क्रॉस होता है, तो वो सारी चीज़ें सिर्फ ड्राइवर जो किसी ट्रेन का क्रू होता है एक्सपर्ट जो जा रही होती है ट्रेन उस पर सिर्फ उसने आना जाना है, वो उसको लोको इंस्ट्रक्टर होता है 16 ग्रेड का, रनिंग स्टाफ का जो सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर, वो उसको मॉनिटर करता है कि जी उसको बता देता है कि जी आपने 10 दिन इस रूट पे जाना है, 10 दिन फिर फ्ला रूट पे जाना है, जस्ट टू एक्लिमेटाइज हिमसेल्फ कि जी दिन को रात को, ताकि वो फेमिलराइज हो जाए, क्योंकि उसके बाद जब वो व्हेन ही इज सिटिंग ऑन द ड्राइविंग सीट कांट अफोर्ड एनी रिस्क और एरर। तो जो क्रू लिंक्स होते हैं मतलब जब एक चीज पता नहीं आपने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ी है कि नहीं, आपको टर्न अराउंड वगैरह बता दिया है उन्होंने, बता दिया है पैसेंजर ट्रेन रेल एक्सप्रेस की जो है वो हम उसको कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पंक्चुअलिटी कि सिंपली अगर रावलपिंडी से मैंने आपको बहुत स्टार्ट में बताया था कि जी 10 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं 24 आवर्स, तो 10 ट्रेनें अपने परमिसेबल गिवन टाइम टेबल टाइम में अपना इंटरचेंज पॉइंट क्रॉस कर लेती हैं, तो इट मीन्स उसकी 100% है पंक्चुअलिटी अप एंड डाउन की। फॉर एग्जाम्पल पिंडी का जो इंटरचेंज पॉइंट है पिंडी ट्रेन का, वो लाला मूसा है मेन लाइन पे, तो लाला मूसा तक जितनी डाउन ट्रेन्स नॉर्मली उसका टाइम जो है मिनिमम 2 घंटे 10 मिनट है, मैक्सिमम 2.5 घंटे है, 2 घंटे 35 में। अगर तो सारी गाड़ियाँ अपने परमिसेबल टाइम में लाला मूसा क्रॉस कर लेती हैं, या लाला मूसा से चल के जो पिशावर बाउंड ट्रेन है तो लाला मूसा से उसका इंटरचेंज नेक्स्ट पॉइंट हसन अब्दाल है विद पिशावर डिवीजन, तो जितना लाला मूसा से हसन अब्दाल तक उसका परमिसेबल टाइम है उसके अंदर अंदर उसने उसको क्रॉस कर लिया है, तो इट मीन्स इट हैज अचीव 100% पंक्चुअलिटी, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ जाती है। और जस्ट डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी अप डाउन ट्रेन्स आपकी 24 आवर्स में चलती हैं रेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन्स, और कितनी जो है विद इन परमिसिबल टाइम इंटरचेंज पॉइंट क्रॉस किया, तो वो परसेंटेज में आएगी। फॉर द गुड्स ऑपरेशन ऑलवेज द ऑपरेशन इज मॉनिटर थ्रू टर्न डाउन। अब टर्न डाउन टाइम क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कराची से एक ट्रेन चली, उसका डिफाइन है कि जी रास्ते में उसको कितने किस किस जगह फ्यूलिंग होनी है, किस किस जगह क्रू चेंज होना है, किस किस जगह ट्रेन एग्जामिनिंग स्टेशन होना है, तो आप उसकी पूरा वर्किंग करके
अब रेगुलर जो ट्रैफिक होती है नॉर्मली उसका आप टर्न अराउंड कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल कराची से जो ट्रेन चलेगी वो यूसुफवाला कोल यूसुफवाला पहुंचेगी, 3-4 घंटे का उसका डिकेंटिंग टाइम है जिसके अंदर वो उसको एम्प्टी करेंगे और उसके बाद फ्यूलिंग होगी लोकोमोटिव की, ट्रेन एग्जामिनिंग होगी और यूसुफवाला से भी ट्रेन वापस बैक टू कराची पहुंच जाएगी। तो वो पूरा जो एक ट्रिप डाउन आपका है इट इज कॉल्ड टर्न राउंड, दैट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ आवर्स, आप आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि बाई वेयर वी आर नॉट एफिशिएंट। पैसेंजर ट्रेन के केस में मैंने बताया कि जब आपका परसेंटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज जस्ट 40%, 50% पर डे, आजकल फॉग है, ऑल द ट्रेन आर लेट। एक वो पता नहीं ऐप है, पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं, किसी प्राइवेट बंदे ने बनाई हुई है, तो उस पर सारी ट्रेनों की रियल टाइम पोजिशन आ रही होती है आगे। पार्क रेल, उसको आप जरा देखा करें ना, तो आपको देखें कि एक्चुअल क्या था उसका अराइवल टाइम किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे और स्केड्यूल उसका क्या बन रहा है, तो पता चलेगा कि सारी गाड़ियां 4-4 घंटे लेट है, 3 घंटे लेट है। सेम इज द केस विद द ये गुड्स ऑपरेशन, इफ इट इज नॉट मॉनिटर्ड प्रॉपरली तो हमारा कराची से यूसुफ वाला कोल का टाइम है प्रॉब्ली 96 आवर्स। कराची से यूसुफ वाला आना, खाली होके वापस कराची पहुंचना, 96 आवर्स, बट द एक्चुअल टाइमिंग इज 120, 130। तो इट मीन्स क्या है कि 96 से ऊपर जितना है वो आप 24-34 घंटे कम से कम फ्यूल भी अपना ज़ाया कर रहे हैं, क्रू को एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी पे कर रहे हैं। सो दिस कैन बी द वन रीजन विच यू कैन ऐड ऑन इन दैट असाइनमेंट ऑल्सो, मतलब कि वो आपकी जब ट्रेन पंक्चुअल नहीं होगी यू आर वेस्टिंग फ्यूल, यू आर पेइंग एक्स्ट्रा वेजेस एंड यू आर कर्टेलिंग दी या रिड्यूसिंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ योर स्टॉक। कि एक लोकोमोटिव आपका जिसने 6 घंटे पहले अवेलेबल होना था वो 6 घंटे जब लेट अवेलेबल होगा तो क्या होगा कि आपकी अगली गाड़ी लेट होगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गुड्स ऑपरेशन। पैसेंजर के तो चूंकि टाइमिंग होते हैं तो आप ऑल्टरनेट अरेंज कर देते हैं, तो वो जो क्रू है बेसिकली ये डिवीजनल लेवल पे इसकी होती है डीएमई, और फोरमैन रनिंग जो है वो एग्जामिन करते हैं कि जी इन कंसल्टेशन विद द हेडक्वार्टर कि वो कौन कौन सी ट्रेन हमारी होगी, मतलब पिंडी के क्रू रन करेंगे, कौन कौन सी ट्रेन जो हैं वो लाहौर के क्रू रन करेंगे। अब उसमें क्या है कि जो पिंडी का क्रू है वो कहाँ से पिंडी, अगर हम पॉइंट रखते हैं कि जी जो पिंडी हेडक्वार्टर का ड्राइवर है वो कहाँ तक उसकी एक्सेस है, वो जा सकता है पिशावर, लाहौर, फिर रावलपिंडी से वाया लाला मूसा अप टू सरगोधा, दिस इज इज लास्ट लिमिट। नहीं, उसको वाले सेक्शन में सेक्शन में जा सकता है। नो बिकॉज ही डोंट हैव द रोड लर्निंग, वो नहीं जा सकता, ना उसे सिग्नल आस्पेक्ट का पता है, ना उसे टाइप ऑफ सिग्नलिंग का पता है, ना उसे यार्ड का पता है। गार्ड का भी यही होगा ना? गार्ड के भी ऐसे ही है, गार्ड का लिंक भी ऐसे ही है, बट गार्ड के केस में थोड़ा सा ये होता है क्योंकि गार्ड को पता ही नहीं, देखे ना वो रोड लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो गार्ड है उसे पता होना चाहिए कि किस जगह ट्रेन रुकनी है, क्रू को भी पता होगा किस जगह ट्रेन रुकनी है, कितनी देर का स्टॉपेज है, उस हिसाब से उन्होंने अपना वो सारा टाइम मैनेज करना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, फिर उन्होंने देखना है कि जनाब हमें वो, तो अब रोड लर्निंग का वो ये होता है कि वो एक रूट पे चल चल के उनका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप अगर लोकोमोटिव पे बैठे होंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन वो उन्हें पता होता है कि जी फॉगी वेदर में भी कि सिग्नल की लोकेशन किस जगह होगी, और तो सिग्नल नजर नहीं आ रहा होगा, बहुत डिम होगा, आपको नहीं नजर आ रहा होगा लेकिन वो जज कर रहा होगा, वो कहेगा राइट, मतलब असिस्टेंट ड्राइवर कहेगा, मतलब ड्राइवर को बताएगा कि सिग्नल इज ओके राइट, आप इंजन किसने कैसे देखा है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ रोड लर्निंग, उन्हें पता होता है कि जी कहाँ पे उसकी लोकेशन है और वो
तो इसी तरह जो लाहौर के क्रू हैं अब वो क्या है कि वो लाहौर से पिंडी जा सकते हैं, लाहौर से सियालकोट जा सकते हैं, लाहौर से फैसलाबाद जा सकते हैं, लाहौर से साईवा खानेवाल तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं। नहीं वो नहीं 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 असल देखा ना जो आज ग्रीन लाइन पे गया है असल इसका वो क्रू लिंक्स का यही होता है कि जी जब वो ग्रीन लाइन पे आज जिसने जाना ना जी वो 3:40 पे पिंडी से चलती है तो वो 2:15 बजे शट में कॉल हो जाएगा कि जनाब आपने पैसेंजर नॉर्मली जो पैसेंजर और लिंक्स होते हैं ना वो तकरीबन ड्राइवरों को पता होता है कि जी मैंने किस गाड़ी पे जाना है, वो ऑलमोस्ट तकरीबन उन्होंने बनाए होते हैं। तो जो आज 2 बजे अभी 2:15 बजे आया बंदा ड्यूटी पे, ये अभी ग्रीन लाइन लेके जाएगा, ये शाम को 8 बजे लाहौर पहुंचेगा, 9 बजे लाहौर शहर में जाएगा, फिर इसने सुबह तक 6 घंटे मिनिमम रेस्ट करना है, कम से कम 6 घंटे आउट लेन में, 6 घंटे के अंदर उसके बाद जब वो मॉर्निंग में लेट्स से उसकी सुबह गाड़ी हो गई कि आपने वापसी पे जाफर लाहौर से लेनी है जो सुबह 9 बजे आती है, उसका 6-7 घंटे रेस्ट भी पूरा हो गया और फिर उसका अगला कनेक्शन होगा कि आपने 39 जाफर पे पिंडी तक जाना, फिर इसी तरफ आगे जाफर चूंकि पिशावर बाउंड है तो वो पिशावर का आगे फ्रेश क्रू है पिंडी से तो वो फ्रेश क्रू स्टेशन पे आ जाएगा, या अगर इंजन है तो इंजन पे बैठ के आ जाएगा, वो फिर 3-3.5-4 घंटे का 5 घंटे का रन बनता है पिशावर में, वो पहुंचेगा फिर 6 घंटे रेस्ट करेगा, फिर वापसी पे वो पिंडी आएगा और फिर हेडक्वार्टर पे 8 घंटे रेस्ट वो करता है। तो हेडक्वार्टर जो होता है ना उसका उसमें कम से कम उसने 8 घंटे रेस्ट करने, लेकिन उन्होंने ऐसा वो चलाकी की होती है फोर गन के साथ मिलके पता लगता है कि जी उसने भी आया ना हेडक्वार्टर तो अगले 36 घंटे तक वो घर ही बैठा है, उसकी अगली जो कनेक्शन है वो 30-32 घंटे बाद आ रहा है, तो वो बहरहाल वो एक अलग हैंकी पहनती है। नहीं वो ऑलरेडी तो देखे ना ट्रेनें तो अपने स्केड्यूल पे चल रही हैं, लेकिन वो ये होता है कि वो उन्होंने अपना अरेंज किया होता है कि जी हर गाड़ी मैंड होनी है, हर गाड़ी पे क्रू को पता होना है कि जी मैंने इस गाड़ी पे जाना है, सम टाइम ये होता है कि एमरजेंसी फौकी हो गई जी किसी को, या किसी को सडनली बीमारी आ गई, कोई जी वाइफ बीमार है, बच्चा बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, फ्लॉ हो गया, तो वो फिर किसी और को क्रू जो ऑलरेडी बुक होता है फिर वो होता है क्वेश्चन आपके पास, कुछ स्पेयर में क्रू लिंक्स पड़े होते हैं जहाँ से आप उसको फिर दूसरे ड्राइवर को यूटिलाइज कर देते हैं, लेकिन फॉर द क्रू लिंक द रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंसी इज मैंडेटरी कि जी वो अगर एक्सप्रेस ट्रेन है तो एक्सप्रेस ट्रेन की सर्टिफिकेशन हो उसके पास डूली साइंड बाई DME, उसके पास हार्ड रूल की कॉम्पिटेंसी साइन हो डूली बाई DME मतलब सर्टिफिकेट साइन हो, फिर उसके बाद उसका पीरियोडिक VN टेस्ट आई साइट का एनुअल टेस्ट वो मैंडेटरी है वो उसके पास वो हो, तो ये 3-4 चेक्स प्लस रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंसी, तो ये क्रू लिंक्स जो है ना वो फॉर्म होते हैं कि विद अश्योरेंस ये की जाती है कि 6 घंटे आउट डी एन में मिनिमम 8 घंटे हेडक्वार्टर में, सो रेस्ट इज मस्ट। क्या कह रहे हैं क्या डिपेंडेंट सारे ड्राइवर पे डिपेंडेंट है उसकी एबिलिटी की रेस्ट। हां नहीं उस पे डिपेंडेंट नहीं है, देखिए रास्ते में लेट्स से इंजन फेल हो गया, अब आपको पता है कि उसका वैसे जो नॉर्मल फंक्शनिंग टाइम है ड्राइवर का वो 7 घंटे बनता है, 1 घंटा पहले शेड में आता है चेक करता है स्टेशन पे जाता है लोकोमोटिव को लेके ट्रेन के साथ अटैच हुआ 4.5 घंटे रनिंग टाइम है, फिर लाहौर शेड में उसने हैंड ओवर करना है लोकोमोटिव फ्यूल का चार्ज देना है, तो वो जो 7-7.5 घंटे की ड्यूटी है पता चला कि रास्ते में लोकोमोटिव फेल हो गया ड्रेलमेंट हो गई, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस ही इज अलाउड टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स मतलब 3-4 घंटे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पता चला कि 8 घंटे के लिए या 10 घंटे ट्रेन ऑपरेशन सस्पेंड हो गया तो उस केस में फिर ये होता है कि आप एक सप्लाइंग क्रू दे देते हैं कि मसलन वो किसी ट्रेन पे जाके उसको ऑफ कर दे क्योंकि 12-14 घंटे, लेकिन वो खुश होते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम हो क्योंकि उनका 8 घंटे के बाद मीटर डाउन हो जाता है फॉर ओवर टाइम, तो देख रख करके ओवर टाइम मतलब
खींचते हैं। गुड्स ट्रेन का ड्राइवर जो है 30-30 घंटे जो है वो उसकी बुकिंग होती है, क्योंकि वो इवन फील मोर हैप्पी कि जनाब मुझे किसी स्टेशन पे खड़ा कर दें, 5-6 घंटे में खड़ा रहूँ, फ्यूल भी जलाऊँ, आराम से सोऊँ, दही भी लेके आऊँ दुकान से और चाय भी पीऊँ और मतलब बस, और मेरा मीटर भी डाउन है। जो पैसेंजर ट्रेन है ना वो तो चूंकि टाइम बाउंड होती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। फ्रेट में इशू आता है कि जी फॉर एग्जांपल पता चला जनाब उसके 8 घंटे कराची यार्ड में ही हो गए, अब उसकी ड्यूटी ओवर है, फिर ये करते हैं कि पोटरी में मतलब जो फर्स्ट स्टॉप है कि वहाँ पे उसको अरेंज कर लें। अदरवाइज तो होना ये चाहिए कि एक क्रू जो है वो गाड़ी लेके चले और कम अज कम जाके वो रोड़ी चेंज हो, लेकिन वो क्रू का भी प्रॉब्लम आता है, उनका ओवरटाइम भी बनता है, फ्यूल भी ज़ाया होता है और हमारी इनफिशेंसी अपनी जगह पर कि 8 घंटे गाड़ी कराची यार्ड में ही खड़ी है। क्या है जी मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ आगे चल रही हैं तो आप उसको, तो वी आर बैड इन ऑपरेशनल इनफिशेंसी। गार्ड और क्रू के, और इसी तरह जो कमर्शियल स्टाफ होता है एसटीज उनके भी इसी तरह लिंक बने होते हैं कि जी वो सुबह तेजगाम पे जाएंगे और रात को फला ट्रेन पे आएंगे, वो हर एक का जो ट्रेन के साथ कंपनी स्टाफ है उनके लिंक्स बने होते हैं। एक साथ तो एक फिक्स स्टेशन है ना, उनकी तो ड्यूटी मतलब ये तो ट्रेन के साथ जाते हैं, टी एक्स आर तो नहीं जाता, टी एक्स आर तो एक स्टेशन पे बेस रहता है, ये पिंडी का जो है। हाँ उसकी ड्यूटी इस तरह चेंज होती है कि आफ्टर एवरी वीक उसका जब वीकली रेस्ट आएगा कि आज सुबह उसने मॉर्निंग की है, फिर नेक्स्ट वीक उसकी नाइट होगी, फिर एक हफ्ते बाद जब रेस्ट करेगा तो फिर इवनिंग में आएगा, तो वो उनकी रोटेशन 8 आवर्स ड्यूटी के हिसाब से चलती है कि 8 से 4, 4 से 12, 12 से सुबह 8 बजे तक, लेकिन रहते तो वो एक स्टेशन पर बेस है, एक साल का तो कोई काम नहीं है। ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो ट्रेन को कंपनी कर रहे हैं। इसी तरह जो स्टाफ है मसलन के रास्ते में रोड डिटेंशन के लिए उन्होंने कैरेज एंड वैगन स्टाफ है, इसी तरह आरटीएल का स्टाफ है जो ट्रेन लाइटिंग का स्टाफ है, वो चूंकि पावर प्लांट बेस है पिंडी का तो वो राइट अप टू कराची ट्रैवल करते हैं, वो फिर राइट अप टू कराची ट्रैवल करते हैं, वो रास्ते में इसी तरह एसी अटेंडेंट्स होते हैं, वो मतलब हर ट्रेन जो जैसे ग्रीन लाइन है तो उसमें हर कोच के साथ एक अटेंडेंट होता है जो साथ जाते हैं ट्रेन के साथ। सर ये फॉर्मेशन को चेक करता है कि ये बंदे आ गए हैं और ये जगह पे लेके आना है, सर ये फॉर्मेशन को फॉर्म करता है कि ये बंदे उस ट्रेन में जल्दी से स्पॉट पे पहुंच गए, इसमें क्या कहते हैं इवेंट्स बनाएगा कौन, मतलब देखे ना वो सबको, ये शटमैन ऑफिस होता है शट के अंदर जिसका काम है पैसेंजर लिंक के, तो क्रू डिफाइन होते हैं कि जी उसे पता होता है मैंने कल ये फलान गाड़ी पे जाना, और फिर उसने बताना है ड्राइवर ने अगर इनकी सब सम इवेंचुअलिटी और सम इमरजेंसी, लेकिन जो बाकी है वो भी उन्हें पता होता है, मतलब ये जो स्पॉट्स हैं ट्रेन स्पॉट्स आरटीएल के हैं या कैरेज के, यदि आज मैं आया हूँ अगले दिन रेस्ट करूँगा और मैंने उससे अगले दिन जाना है, नॉर्मली तो उन्हें पता होता है, वरना वो चेंज कर देते हैं जो उनके रिस्पेक्टिव इंचार्ज सुपरवाइजर्स हैं, ट्रेन एग्जामिनर आरटीएल फोरमैन शटमैन फोरमैन रनिंग वो सारे उनको पता होता है। अपने अपने इंचार्जेस हैं, हर बंदे का हर ब्रांच का इंचार्ज स्टेशन पे भी होते हैं ना, वो ये मेक श्योर करते हैं। सर ये जितना भी क्रू लुक आफ्टर है इस तरह फोरमैन पावर करता है ना जो हर डिवीजन में, नहीं फोरमैन पावर नहीं, एफ ओ आर और एल आई ओ बनाते हैं, एल आई ओ और एफ ओ आर और एफ ओ पी भी टू सम एक्सटेंड, अदरवाइज ये बेसिकली एफ ओ आर का काम है रूलिंग्स और बनाना एल आई ओ पर। नहीं वो फिर सर्कुलेट करते हैं ना, एफ ओ पी को भी भेजते हैं कि कौन है, सॉरी फोरमैन रनिंग और फोरमैन पावर, वो कंट्रोल ऑफिस गए थे आप लोग?
अच्छा सरी क्रूलिंग की बेसिस क्या है, ये जो क्रूलिंग बनेगा वो फर्स्ट अवेलेबल ट्रेन लेके आएगा या तीन चार ट्रेन का ग्रुप है कि ये जो लिंक्स है ना ये उन तीन चार देखिए पहले तो होता था कि जो फोरमैन ने कह दिया जो लिंक बना दिया वो कर दिया। अब चूंकि वो एक इनडिसिप्लिन है, अनार्की है और ये यूनियन बाजी है जो फोरमैन मतलब ये रनिंग स्टाफ की, तो अब वो डिक्टेट कराते हैं फोरमैन को कि जी इस तरह बनाएं ताकि दे मस्ट हैव दे शुड अवेल मैक्सिमम रेस्ट एट हेडक्वार्टर। वो करवाता है फोरमैन खुद बनाता है और एएमई से प्रूव कराता है, डीएमई को जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता देते हैं। तो ये नॉर्मली तो 6 मंथ बेसिस पे बनता है और फिर उसके बाद अगर कोई नई ट्रेन लेट से अभी जिस तरह कोरोना मतलब सबसाइड हो गया तो अब ट्रेनें आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो अब उसमें फिर या कोई नई ट्रेन चलानी है जी कहां से आ गया कि जनाब एक नया पाकिस्तान एक्सप्रेस चला रहे हैं, तो वो ट्रेन जो है क्या होगा कि जी उसका फिर क्रू लिंक भी डिफाइन होगा, लोकोमोटिव लिंक भी डिफाइन होगा कि जी किस बेस का लोकोमोटिव होगा, किस शेड का क्रू होगा। नॉर्मली वो प्रेफर करते हैं कि जी जहाँ से ओरिजिनेट होनी है उसी शेड का क्रू हो और उसी शेड का लोकोमोटिव भी हो। वो नोटिफाई करता है जो नई ट्रेन या स्पेशल ट्रेन है, जिस तरह 6 स्पेशल है या ईद स्पेशल है, अब ये आउट ऑफ टाइम टेबल ट्रेन हैं, स्पेशल ट्रेन हैं, या कोई और ऐसा इवेंट आ गया कि वो चलानी है जी आपने किसी पहियन पे तो क्लियर ईद रश जो 6 स्पेशल्स, कोई और आपके कोई हिंदुओं की कोई ट्रेन है जिन्होंने इधर आना है तो हसन अफ्ता आ गया किसी, तो अगर वो स्पेशल ट्रेन है तो उसमें फिर वो नोटिफाई होती है हेडक्वार्टर करता है। जो रूटीन की ट्रेन हैं जो रूटीन की वो रेस्पेक्टिव डिवीजन इन कंसल्टेशन विद डिप्टी सीओपीएस पावर, वो ग्रेड 19 का मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफिसर होता है हेडक्वार्टर में और अंदर सीओपीएस काम करता है, वो इज द इंचार्ज ऑफ होल ट्रेन ऑपरेशन, और वो उसको बता देते हैं कि जी या वो अगर फिर कोई एडवाइस करें या कोई चेंज करें तो वो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली डिवीजन प्रपोज करती है और वो या तबलीगी जमात की स्पेशल होती है, कई दफ़ा वो कहते हैं जी जमात उद्दावा या कोई इस तरह के जी हमने हमारा कोई फंक्शन है हमें पूरी ट्रेन चाहिए तो पूरी ट्रेन चला देते हैं पैसे देते हैं। फिर ये होता था कि वो नॉर्मली अभी तो खैर लोकोमोटिव का कोई इतना इशू नहीं है, अभी पहले जब शॉर्टेज होती थी ना फिर ये करते हैं कि मसल ईद स्पेशल से द पीपल हैव टू मूव सो द बिजनेस इज डाउन, तो फ्रेट ऑपरेशन को कटेल करके फ्रेट से इंजन निकाल लेते हैं, अभी तो खैर सरप्लस है अभी कोई इशू नहीं है, वरना ये होता है कि आप कोचेज फिर आप दाएं बाएं से इधर उधर से कुछ करते हैं, नहीं वो शॉर्ट तो है, वो ये करते हैं कि मसल फॉर एग्जाम्पल हर महीने तकरीबन 70-80 कोचेज ओवरऑल होके निकलती हैं मोगलपुरा वर्कशॉप से। अब वो जो स्पेशल बुकिंग होती है ना ट्रेन की, अब आपको पता है कि मुझे पता है अप्रैल में ईद आ रही है, ठीक है जी मैं क्या करूँगा कि मार्च में वो जो कोचेज निकल रही हैं उनको एक जगह पे स्टेबल करता जाऊँगा, पूल बना लूँगा उनका टू रन द स्पेशल ट्रेन, तो वो जो शॉप के अंदर जानी थी फॉर ओवर हाविंग उनको डिले कर लूँगा पर 15-20 दिन, तो वो ईद स्पेशल का वो 4-5 दिन का स्केड्यूल मूव करा के फिर मैं उनको रिस्पेक्टिव ग्रीन्स में वो चली जाती है। सीओपीएस इन कंसल्टेशन विद सीएमई कैरेज, वो फिर सारे ऑपरेटिंग का ऑफिसर चीफ कमर्शियल मैनेजर पहले बताता है मुझे इतनी ट्रेनें चलानी है, फिर सीओपीएस अकॉर्डिंगली लोकोमोटिव कोचेज का पूछता है सीएमई से मुझे लोकोमोटिव चाहिए मुझे कोचेज चाहिए, फिर वो अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं। तो बेसिकली सर वेरी मतलब इंटीग्रेटेड किस्म की एक्टिविटी है जो, तो ये जरा इसमें कोई अगर कोई क्वेश्चन आप पे है बता दें। पावर लिंक भी इसी तरह है कि वो आप डिफाइन कर देते हैं कि पावर लिंक का ये होता है कि वो देख लेते हैं ये बनाते हैं हेडक्वार्टर से चीफ मैकेनिकल इंजीनियर डोको और सीओपीएस उनके रिप्रेजेंटेटिव आपस में
मिलके बनाते हैं, वो ये डिफाइन होता है कि जी कौन सा लोकोमोटिव कौन सी ट्रेन वर्क करेगा, मेल एक्सप्रेस पैसेंजर पहले, कि जी 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव, क्योंकि मैंने बताया था पिशावर से लेकर लाहौर तक यू डोंट रिक्वायर 3000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव, तो ये 2000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव या पिंडी के होते हैं या लाहौर के होते हैं। फिर इसी तरह एक्स लाहौर से कराची जितनी ट्रेन जा रही हैं वो नॉर्मली 3000 हॉर्स पावर के, बिकॉज ट्रेन लेंथ इज बिगर लोड इज हैवियर, तो वो वहाँ पे वो 3000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव या 4000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव, तो वो इसी तरह पावर लिंक भी वो बनाते हैं हेडक्वार्टर लेवल पे कि किस शेड का लोकोमोटिव वर्क करेगा, और फिर वो उसकी पूरा अरेंजमेंट होता है कि जी वो किस ट्रेन से लाहौर से चलेगा कराची पहुँचेगा, और कराची से फिर वो किस ट्रेन से वापस आएगा। बट दिस ये जो अरेंजमेंट है इट इज डिस्टॉर्टेड व्हेनेवर देयर इज, क्या आपने कहा जी कि लट से 9001 लोकोमोटिव है, ये जाएगा जी I-28 डाउन में कराची और नेक्स्ट 27 अब वापस रासन इंजन, यही फेल हो गया जिसकी नॉमिनेशन है, सो द होल इक्वेशन विल बी वो डिस्टॉर्टेड। फिर क्या होता है, फिर आप क्या करते हैं कि वो रासन इंजन फेल हुआ, ये तो जब पहुंचेगा अपने देश शर्ट में ठीक होने के लिए तो पहुंचेगा, फिर ये करते हैं कि नियर मोस्ट जो फ्रेट का कोई होता है लोकोमोटिव उसको फिर यूज कर लेते हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो वो फिर सारी इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो उससे उस वजह से फिर क्या होता है कि लोकोमोटिव मिस यूटिलाइज होते हैं कि वो गए फ्रेट में उधर ही करते रहे 5-5, 10-10, तो फिर आप वो DME कंसर्न से बात करते हैं कि हमारा लोकोमोटिव वापस दे दें, ये 10 दिन हो गए हैं आउट है, वो ना हो फिर आप हेडक्वार्टर को इन्वॉल्व करते हैं, वो फिर वापस आता है इस तरह करके। तो वो फ्यूल का है, वो फ्यूल वाला आते हैं, ये जरा थोड़ा सा क्विकली इसको कर लें थोड़ा सा। अच्छा, इसके अंदर ना ये क्योंकि सबसे पर्टेन करती है शॉप्स का ये टॉपिक था, उन्होंने दिया था, इसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल हमारी कैरियन वेगन शॉप है, लोकोमोटिव फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग यूनिट्स जितने हैं उसमें वी आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ मुगलपुरा वर्कशॉप्स का ही देखें तो कम से कम 5-6 बिलियन रुपीज पर एनम खर्च होते हैं, 2-3 अरब मेंटेनेंस स्पेयर्स, 2-1 अरब के आगे 2.5-3 अरब की सैलरीज हो गई, तो वो सारा जो है अकाउंट फॉर ज़ाहिर है करना होता है उसमें आपने। इसी तरह बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस तरह रसालपुर में जो रिपेयर वर्क या मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहा है, अब ज़ाहिर है कि वो उसको पूरा आपने एनालाइज करना होता है कि इसकी एट व्हाट कॉस्ट वी आर प्रोड्यूसिंग, किस कितना खर्चा आ रहा है हमारा। फिर उसके बाद आपकी ब्रिज वर्कशॉप है जेलम में इंजीनियरिंग ब्रांच की, फिर आपकी एक रायवंड में ट्रैक वर्कशॉप ही कहते हैं वो है इंजीनियरिंग की, इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उनका भी एक छोटा सा है मोरपुरा वर्कशॉप में, एक RTL शॉप है और उसका सेटअप है, तो वो जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की रिपेयर की हो रही है तो वो वहाँ पे एक उसकी कॉस्टिंग का पूरा एक प्रोसीजर रेलवे की वर्कशॉप मैनुअल में अंग्रेज बना के दे गया, जिसके अंदर उसने एक एक चीज़ डिफाइन की कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये रूम इनिशली जब ये बिल्डिंग बनी तो उसको मैंने जब कंस्ट्रक्ट किया वो आ गई कॉस्ट, फिर उसके बाद इसके अंदर इंटीरियर जो भी डेकोर है उसको जो अरेंजमेंट है उसकी ये कॉस्ट है, फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी कॉस्टिंग्स हैं विच आर इन्वॉल्व बट नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, फॉर एग्जांपल आपने इसमें इलेक्ट्रिशियन इन्वॉल्व किया होगा इसके अंदर, इसको अब इसकी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एक इसकी इनिशियल कॉस्ट थी, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में आप देखेंगे कुछ आप डायरेक्ट कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइटिंग है, एयर कंडीशनिंग है, जिसकी व्हाट एल्स और क्या है, सॉरी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। फिर उसके बाद आप देखें इसके अंदर और भी कॉस्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दो स्वीपर्स आके इसको वो करते हैं तो वो भी इसके अंदर अकाउंट फॉर होंगे। फिर उसके बाद
इसका कोई जो सुपरवाइजर होगा हु इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द क्लीनिंग ऑफ द बट ही सुपरवाइजिंग द क्लीनिंग स्टाफ, उसका भी कुछ वेजेस हैं, वो भी कहीं जगह अकाउंट फॉर होने हैं। तो हमारी जब मैन्युफैक्चरिंग या उसकी जब वो कैलकुलेट करते हैं तो हमारी दो तीन दो कॉस्ट तो डायरेक्ट कॉस्ट में या प्राइम कॉस्ट में आती हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पेन बनाना है तो इसके लिए रॉ मटेरियल इज द प्लास्टिक, देन देयर इज इंक और समथिंग एल्स और एक अंदर कार्ट्रिज है, ये है डायरेक्ट मटीरियल। अब वो जितने का आएगा वो आपने अकाउंट पर कर लिया, फिर उसके बाद जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया उसकी कॉस्ट आ गई। मटीरियल प्लस लेबर ये आपकी प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होती हैं, और बाकी उसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती हैं विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस जॉब बट दे हैव टू बी अकाउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ योर अकाउंटिंग शीट, या वो जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें रिफ्लेक्शन के लिए आपने पूरा फिर एक एक एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर करना है। तो दोज एक्सपेंडिचर बेसिकली अगर आप देखें कि लेबर और मटेरियल की कॉस्ट के अलावा, ये स्टोर्स वालों के लिए भी रेलेवेंट है बिकॉज लॉट ऑफ आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड विच आर स्टॉक आइटम। ये कुछ बताया आपको स्टॉक आइटम नॉन स्टॉक का? बस ऐसे है कि वो जो आपको रेगुलर आइटम आपको चाहिए होते हैं और थ्रू आप कहते हैं कि हमें रेगुलर प्रोक्योरमेंट करके दें। मसलन फॉर एग्जांपल आप अपने घर के लिए जो कहेंगे कि जी ये स्टॉक आइटम है, आटा चावल घी चीनी चाय दूध, दीज आर स्टॉक आइटम, दीज आर रेगुलरली रिक्वायर्ड, जो आपको रेगुलर चाहिए और जिनकी कंजम्पशन कंसिस्टेंट है, तो वो हम ये करते हैं कि उसको स्टॉक कर देते हैं। चीफ कंट्रोलर ऑफ स्टोर से लिखते हैं कि इसकी स्टॉकिंग कर दें। अब वो स्टॉकिंग क्या होगी कि जनाब ये आइटम मुझे और आप उसकी कंजम्पशन जो कंज्यूमर है या कंसर्न प्रिंसिपल ऑफिसर है कि फॉर एग्जाम्पल आपका आप कहते हैं जी कि मुझे हर साल में 10,000 फिश प्लेट्स चाहिए, आप उसका उसकी पूरी डिमांड बनाएंगे, जस्टिफिकेशन बनाएंगे और उसको आप फिर अप्रूव करवाएंगे और चीफ कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स को भेज देंगे कि ये आपने मुझे रेगुलर हर साल 10,000 इस स्पेसिफिकेशन की ये खरीद के देनी है, ये इसका नॉमन क्लेचर है और इसकी स्टॉकिंग करनी है। फिर वो स्टॉक जो है सीसीएस है वो उसकी स्टॉकिंग करेगा, उसका डिफरेंट होता है, वन फॉर लोकोमोटिव, फिर आगे सब क्लास है, फिर आगे उसका नॉमन क्लेचर, अकॉर्डिंगली वो एक उसको एक टैग कर देते हैं। जैसे जैसा आपका नाम है ना जी, तो वो उसको एक यूनिक आइडेंटिटी दे देते हैं सोर्स में, ताकि व्हेनेवर यू विल से आई नीड दिस आइटम फिश प्लेट और विद द सर्टेन स्टॉक कोड नंबर, तो उसका मतलब है कि मुझे ये फिश प्लेट चाहिए और इस साइज की चाहिए, उसकी पूरी स्पेक्स डिफाइन होंगी, हर चीज उसके अंदर वो क्लियरली वो स्टॉक आइटम रेगुलर वो फिर स्टोर आपको प्रिक्योर करके देता है और वो स्टॉक आइटम कहलाते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम होते हैं जो डिक्लेयर्ड हैं कि रेलवे वर्कशॉप में बनेंगे, जिस तरह आपकी कुछ फिटिंग फास्टनिंग्स हैं वो वर्कशॉप में बनती हैं, इसी तरह बहुत सारी हार्डवेयर और ऐसे चीज़ें हैं जो वर्कशॉप्स में बनती हैं फॉर मैकेनिकल, इसी तरह आरटीएल की सर्टन आइटम्स हैं जो वो वहाँ पर बनाते हैं, तो उनको वो स्टॉक डिक्लेयर किया जाता है। तो चीफ कंट्रोलर ऑफ स्टोर जो है वो फिर कहता है कि जी वो अकॉर्डिंग टू देयर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूजर, वो फिर उनकी डिपो वर्क रिक्वायरमेंट प्लेस करता है और साथ रॉ मटेरियल देता है कि आप मुझे बना के दें। आप जब वो बना के देते हैं तो फिर वो जो कॉस्ट आती है वो अकाउंट फॉर होती है। अब वो अकाउंट कॉस्टिंग में क्या है, डायरेक्ट लेबर जो इन्वॉल्व है उस जॉब के लिए प्लस मटीरियल कॉस्ट जो है वो तो प्राइम कॉस्ट में आ गई। जो इनडायरेक्ट कॉस्टिंग है उसके अंदर तीन किस्म की कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, नंबर एक जनरल ऑन कॉस्ट, नंबर टू शॉप ऑन कॉस्ट, नंबर थ्री परफॉर्म ऑन कॉस्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर होना चाहिए, जनरल ऑन कॉस्ट, परफॉर्म ऑन कॉस्ट और शॉप ऑन कॉस्ट। अच्छा, अब परफॉर्म ऑन कॉस्ट नॉर्मली आप अप्लाई करते हैं फॉर कमर्शियल कॉस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल अब रिसालपुर है, अगर हम मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं, रेलवे का काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो फैसिलिटी हम बाहर मार्केट में भी, तो कोई हमें कह सकता है ना जी ये बना दें, हम कहें जी बना देंगे,
लेकिन हम कॉम्पिटेटिव उस वक्त नहीं रहते जब हम सारी कॉस्टिंग उसके अंदर फिट इन करते हैं ना अपनी ऑन कॉस्ट, तो वो पता चलता है कि मार्केट में वो आइटम 100 रुपये की मिल रही है और साथ को 350-400 रुपये की मार्केट ले रहे हैं, वो कहते हैं हम मार्केट से गए। आप परफॉर्मा ऑन कॉस्ट जो है पहले जनरल ऑन कॉस्ट पे चले जाते हैं, अब आप जरा ये पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसका क्या है। देखें जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना उसका एक पूरा आप अपने घर के जो एक्सपेंसेस है उसके अंदर आप देखें कि वो जब आप अकाउंट फॉर करते हैं तो उसमें सर्टन पोर्शन इज फॉर द रॉ मटेरियल राशन, सर्टन इज फॉर द यूटिलिटीज, सर्टन इज फिर आपको कह दी आपका महीने का खर्चा कितना है। तो जब आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आप टोटल खर्चा कितना है आपके घर का, तो आप क्या कहेंगे कि जी इतना मेरे घर का राशन आता है, इतना मेरे घर की यूटिलिटीज का एक्सपेंडिचर है, इतना मेरा फ्यूल का एक्सपेंडिचर है, इतना मेरा सर्वेंट्स है मेरे घर में, तो वो सारे आपने अकाउंट फॉर करने हैं इसको। तो ऐसे नहीं होगा फिर जब पूरा आप कंप्लीट एक्सपेंडिचर करेंगे तो ये नहीं हो सकता आप कहें जी वो तो मेरा 50,000 का खाना राशन आता है, तो दैट इज नॉट विल रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर। व्हेन यू आर मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस शीट ऑफ योर हाउस तो उसके अंदर फिर आपने एक एक चीज अकाउंट फॉर करनी है, उसने उसमें फिर ये भी आप अकाउंट फॉर करेंगे कि जी मेरे घर में महीने में कोई 8-10 मेहमान तो आते हैं या हफ्ते में एक मेहमान आते हैं और एवरेज तकरीबन 2-4,000 का खाना या रिफ्रेशमेंट तो मुझे करनी पड़ती है, वो भी उसमें आएगी उस कॉस्टिंग में। तो ये जरा देखें इसने कि वो अंग्रेज ने ये बनाया था पता नहीं 1924 मैनुअल, बट हाउ मेटिकुलसली दे हैव एडेड एवरीथिंग। उन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी कि जी जो आपकी चीजें मतलब डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा जो आएगी ये जनरल ऑन कॉस्ट है कि ये चीज कि जी अगर कोई शॉप फ्लोर के ऊपर आप काम करा रहे थे कोई मटेरियल अगर गुम हो गया है टूट गया है वो कॉस्ट जो खर्चे उस पर रिपेयर पे आएगी या नए खरीदने पे आएगी वो भी अकाउंट फॉर होगा। सर ये जितने भी कॉस्ट है जनरल कॉस्ट ये पहले से एस्टिमेटेड होती है परसेंटेज पे, जैसे मैं एक आइटम बना रहा हूं और मैं ये सारा अकोमोडेट करना चाहता हूं उसमें, तो मैं किस तरह इट इज फिक्स्ड फॉर द इट इज फिक्स्ड फॉर ऑन बायएनुअली 6 month बेसिस पे ये वर्कआउट होती है, हर 6 महीने बाद ये इसको कैलकुलेट किया जाता है और ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो इसको कैलकुलेट करें इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन ऑफिस। प्रोडक्शन ऑफिस हर मैन्युफैक्चरिंग रिपेयर यूनिट में मौजूद होता है, तो ये उनसे पूरा आप टाइम एंड मोशन स्टडी कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन बनाना है इसके अंदर एक ऑपरेटर इन्वॉल्व होगा और 8 man-hours इसके अंदर इन्वॉल्व है, और फिर आप वेजेस कैलकुलेट करते हैं पूरा अपना निकालते हैं और फिर एक वर्कमैन की यदि छठे स्केल का एक फिटर भी बनाता है तो उसकी पर आवर वेजेस 8 घंटे की वो आप लेंगे उसके अंदर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। फिर उसके बाद साथ जो स्कोटिंग स्टाफ है कि जी वो जिस शॉप में काम कर रहा है वहाँ स्वीपर आके स्वीपिंग करता है, उस कमरे में लाइट चलती है, उसकी मेंटेनेंस बिजली वाला एक बंदा करता है, तो वो सारा एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं अकाउंट। फिर उसके बाद जिस मशीन में उसमें लुब्रिकेंट बनता है उस लुब्रिकेंट की कॉस्ट है, फिर उसके बाद वहाँ पे एक शॉप क्लर्क है जो उस वर्कर की तनख्वाह बनाता है, अब वो भी कंपोनेंट उसके अंदर बिल्ट इन होना, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये ज़रा आप देखें ना कि इसके अंदर कैसा उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी है। वैसे इट इज रियलिटी, ये तो फैक्ट है। देखें देखें बिजनेस में पता क्या है, बिजनेस में जितना आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा कॉमन सेंस है ना, उस जितना आपका वॉल्यूम ऑफ चाइना वाई द चाइना इज कॉम्पिटेटिव। आप अमेरिका में जाएं वहां पे जितने ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं ना मार्शल मेसीज और 2500 किस्म के
जो भी आते हैं एचएनएल पे जाएं, किसी पे चले जाएं, वहां पे आपको 90% प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश, ये खास तौर पे ये जो गारमेंट्स वगैरह की वो तो वो मिलेगी, बाकी हर चीज आपको अमेरिका में चाइना में, हार्डली सिर्फ ये वेपन्स जो है ना, मैंने तो नहीं देखा, सिर्फ ये पिस्टल गन्स जो एक शॉप में वो यूएसए की, बाकी हर चीज जो है वो ये थी, कंज्यूमर प्रोडक्ट जितनी थी वो सारी ये थी सर्विस सर। अब वो ये है कि वो इतना वॉल्यूम बनाते हैं, फिर उनके वेजेस कम है, लेबर कॉस्ट कम है, तो वो फिर सारा मतलब डंप करते हैं। तो अब इसके अंदर अब ये एक्चुअली प्रैक्टिकली अब आपको पता है कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं ना ऐसे रफ सी कि हमारा रिसालपुर का जो पर एनम एक्सपेंडिचर है वो है अराउंड 350 मिलियन पर एनम, 35 करोड़ में हम खर्च करते हैं तनख्वाह सैलरी यूटिलिटीज प्लस जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है परचेज है 35 करोड़ रुपया, और जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो 17-18 करोड़ रुपया, 20 करोड़ मैक्सिमम दम मान लो। एक तो ये चीज है ना कि आप कोई बंदा आपके पास आए और आपको कहे ये चीज बना दो, एक ये तो वे राउंड है कि जो रेलवे वाले हैं वो कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो वो सबसे सस्ती प्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट में, तो मार्केट में उस चीज का गैप भी है। मैं एक प्रोडक्शन यूनिट में शुरू में जब सर्विस मैं एएमई कैरेज मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी तो वो मैं वहां बना ये बफर बोल्ट्स, उस जमाने में ये 95 की बात है बफर बोल्ट्स बनने थे, तो बफर बोल्ट्स की जो प्राइस थी ना उस वक्त कोई 35 रुपये के जी आते थे, 35 रुपीज़ पर के जी। तो वो मैं वहाँ से ट्रांसफर होकर चला गया, एक हमारा डीजल स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप है प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग का, तो वहाँ पे ना मैंने देखा एक दिन के हेक्सागनल बार पड़ी हुई है, मैंने कहा इससे तो बोल्ट बन जाएंगे, जी हाँ बन जाएंगे। अच्छा अब वो मैंने हकीक सार और एएमई कैरेज को कहा यार वो बोल्ट हमसे बनवा लिया करेंगे, बना दें हमें, उन्होंने रेक्विजिशन प्लेस की 20 kg की, हमने मिशनी बना के दिए। तो उसके बाद वो दे के तो 2 महीने बाद मैंने कहा कि ये आपको आपने और नहीं बनाने, आपने रेक्विजिशन दे ही देना, सर क्या करते हैं आप 48 रुपये का एक बोल्ट बना के देते हैं, 38 रुपये किलो देते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप डालेंगे उसमें तो फिर 48 रुपये का एक बोल्ट बनेगा, फिर 35 रुपये के जी वाला रहा वो भी बात है। आप रेलवे के अलावा भी अगर वो अगर इतना वॉल्यूम क्रिएट करें कि आप रेलवे को भी दें, आम मार्केट में सप्लाई करें, उसकी प्राइस और डाउन नहीं हो जाएगी? देख अभी आप समझ नहीं रहे, आप देखे ना इसके अंदर वो जो बंदा रिटायर हो गया ना पेंशन जो हम दे रहे हैं पेंशन, वो भी अकाउंट फॉर करनी है, उसके स्कूल जो बच्चों को स्कूल बस छोड़ने जा रही है उसका खर्चा भी इसमें अकाउंट फॉर करना, इन कॉस्ट नहीं, निकाल देना, नहीं निकाल दें तो वो फिर क्या होगा, खर्चा नहीं हो रहा, एक इमेजिनरी कॉस्ट तो नहीं है आपके घर का टोटल एक्सपेंडिचर है 2 लाख रुपया इंक्लूडिंग एवरीथिंग और आप फैमिली मेंबर्स हैं लेट से 10, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल मैथमेटिक्स है कि जी एक बंदे का खर्चा 20,000 रुपया है, ऐसे ही है, एक बंदे का खर्चा 20,000 रुपये पर मंथ है और महीने का खर्चा 2 लाख रुपया, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आप उस 2 लाख में कहें कि जी यार नहीं ये खर्चा ज़्यादा इंडिकेट हो रहा है, इसमें से 20,000 जो फ्यूल का है वो निकाल दो। अच्छा फिर उसके बाद इसमें यार ये जो बिजली का बिल है ना ये भी निकाल ही दें तो खर्चा आ जाएगा 12,000-13,000 पर, तो वो कहाँ जाएगा? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वैसे एक बिजनेस से करें बजाय के घर से, ठीक है, हमारे पास घर में हमारे पास मतलब एक बिजनेस में आप लोन भी लेते हो और फाइनेंस का एक पूरा सिस्टम होता है जो वर्क कर रहा होता है, ठीक है, मतलब अभी भी हम गवर्नमेंट से सब्सिडी ले रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं,
और लॉस में जा रही फिर भी सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, घर में तो आप ऐसा नहीं चीजें कर रहे होते, और जब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं और अगर हम एक ऐसी चीज निकाल के दें और बाद में फिर हम उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल में डाल के मार्केट में एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करा दें कि भाई ये चीज पाकिस्तान में, एक मिनट मैं आपको बताता हूं, ये मैं लेने जाता हूं ना, आप मार्केट में लेने जाएंगे ना, वो आपको एक पेपर अननंबर्ड एक बिल दे देगा और कहेगा जी कि ये है 50 रुपए का, राइट। अब मैं कहूंगा कि नहीं जनाब, वो तो मेरी रिक्वायरमेंट है जीएसटी रजिस्टर्ड बंदे से मैंने लेनी है। वो कहेगा जनाब 50 ये और 17.5% ये और 4% इनकम टैक्स, ये अब मैं आपको दूंगा 72 रुपए की। बात समझ रहे हैं, ये जो हमारा लोकोमोटिव है ना, ये आता है लेट्स से 40 करोड़ रुपए का, इसके ऊपर जो है कोई 20-22 करोड़ रुपया जो कस्टम ड्यूटीज फ्रेट चार्जेस ये वो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करते हैं। सारी कस्टम ड्यूटी सारा फ्रेट आपको पता है कि वो जो ये तो कॉन्ट्रैक्टर को बेस्ट सूटेड ये बिजनेस है कि आप बगैर इनवॉइस के, अभी आपको पता है कि मैं वो कोई आइटम ले रहे थे, हाँ ये रेस्ट हाउस के लिए मैंने कहा मैं ब्लैंकेट्स लेके आया, तो उन्होंने 6-7 ब्लैंकेट्स लिए, तो एक ब्लैंकेट उन्होंने कहा कि 8,000 रुपये का है, उन्होंने गुड नाथ, उन्होंने कहा नहीं सर वो ये अब इसमें वो इसका वो चूँकि जी एस टी हमें रजिस्टर कराना है तो वो किसी जी एस टी कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे पास है उससे पैसे लेंगे हम, उससे पैसे लेके मैं 21% उसमें टैक्स ऐड होगा और 10% वो आप कॉन्ट्रैक्टर वो जिससे आप एडवांस में पैसे लेके और उसको उससे खरीद रहे हैं वो आपको इनवाइस देगा, वरना तो आप पहले मार्केट में जाए वो कहेगा कि दौड़ दो इधर से आपके पास कोई वो मैं देता ही, मैंने बेचनी नहीं है आपको ये चीज। तो सिंपल ये है कि ये सारा खर्चा जो है आपने अपनी कॉस्टिंग में डालना है ना, ये कैसे मुमकिन है कि जी ये निकाल दें तो हम कॉम्पिटेटिव रहेंगे। आपको पता है वो बात कहीं और चली जाएगी, हमारे रिसालपुर में वर्किंग पता क्या है कि जो जोर की नमाज कितने बजे, 1 बजे होती है और वजू 12 बजे शुरू हो जाता है। अब आप मुझे ये बताएं कि इफ आई रियली एक्सरसाइज माई अथॉरिटी कि नहीं जनाब वजू आप 12:45 बजे तो कहना ये सर्वाइव के उसको क्या होगा, वो मेरे को देखो कुफर होगा तो फतवा लगा देंगे, मेरे ऊपर कुफर का फतवा लग जाएगा। और अभी तो शॉर्टेड डेज है ना, उनकी कोशिश होती है कि वो जो आखिरी वजू है ना मगरब का वो भी सरकारी टाइम में करके जाओ, ये हमारे अंदर है ना, और दिस इज रियलिटी। अच्छा मजे की बात है ये जोर असर की नमाज, अब ये हम थोड़ा सा ना मतलब वो वैसे अवॉइड करना चाहिए इस तरह की डिस्कशन को, ये मगरिब असर की जो नमाज है ना वो हम बड़े खुशू खुजू से पढ़ते हैं बिकॉज वो सरकारी टाइम में होती है, 11:30 बजे वजू करने और मगरिब की नमाज जो कि बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम है वो हम कभी भी वहां पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो उस वक्त हमारा ऑफ होने में 5 मिनट रहते हैं, तो वाई टू वेस्ट 15-20 मिनट्स, वो हम फिर थक जाते हैं यार उधर ही पढ़ेंगे क्योंकि 5 मिनट बाद छुट्टियां जानी है और इधर नमाज के लिए मुझे 15 मिनट फालतू वो गुजारना पड़ेगा। इट नॉट अफेक्ट रेलवे में सिलेक्शन के बाद पता चला था कि ये हालात है या पहले कोई आइडिया था या बॉन्ड साइन करने से पहले आइडिया था या नहीं था? नहीं मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बताया,
अभी मैंने आपको पार्ट टाइम पर डाला है, आप अगर फेल जाते तो हम ये तो भी बस यू आर ट्रैप अभी से ट्रैप में डालते हैं जाते जनरल डिस्कशन तो ना बस पावर को आप क्या करेंगे आप ही लोगों ने पैकेज बंद कर दिया आपको पता है कि वहां पे एक पैकेज आया हुआ है अभी कि अगर कोई बंदा सर्विस में फौत हो गया या मेडिकली इनवैलिड हो जाए तो उसके बच्चे या बच्ची को नौकरी मिलेगी पीएम पैकेज। अच्छा कल उन्होंने कहा जी कि इनकी एक्सटेंशन होगी एक साल के लिए, कैन यू लीक के 172 आई कैन गिव यू द राइट नाउ द लिस्ट 172 बंदे में जो भर्ती हुए हैं वो सारे क्या हैं एडीसी यूडीसी नायब कासर क्लर्क जो इन आर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन वी रिक्वायर द क्लर्क्स नायब कासर माली ये वो चाहिए आप ये मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ 172 पीपल आर दे आर जस्ट लिविंग पैरासाइट्स। ये एक एंगल है ह्यूमैनिटेरियन अगर आप कहें तो वेजिबल नौकरी है पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है ये भी एक अप्रोच है बट ऑन द अदर साइड द वे योर ऑर्गेनाइजेशन इज ब्लीडिंग कैन वी अफोर्ड टू एंगेज फॉर रेस्ट श्योर दे इवन कांट राइट देयर लीव एप्लीकेशन इट्स अ जैकपॉट जो लग गया और बस वो अब रेस्ट ऑफ द सर्विस वो ऐसे ही चलेगा। तो जब मैं इधर आया तो 5 महीने हो गए मुझे तो वो कुछ 3-4 इस तरह इनवैलिडेशन के केस आ गए। अच्छा अब उनके हर एक की डिमांड पता क्या थी क्योंकि मुझे क्योंकि वो मेडल पास नहीं थे तो उन्होंने कहा कि मुझे चौकीदार लगा दें मुझे माली लगा दें। अच्छा अब आई डोंट रिक्वायर चौकीदार मालूम। मैंने सीईओ से बात की मैंने कहा आप ये पोजीशन है काइंडली एक तो कन्फाइन करें कि सिर्फ एसेंशियल कैटेगरी में ये रिक्रूट होगा 15 और दूसरा ये मेहरबानी कर दें कि मेरे पास सिर्फ एसेंशियल कैटेगरी में इस पहले स्टेज की पोस्ट नहीं है वो उन्होंने खैर ये उसने कहा बिल्कुल ठीक है आपकी बात ऐसे ही है मतलब सारे बदल मचा हुआ है ये हम इशू कर देते हैं पॉलिसी वो पॉलिसी इशू हो गई लेकिन आप वो सिर्फ एसेंशियल कैटेगरी में रिक्रूट हो। अच्छा जब मैंने चेक किया तो एसेंशियल कैटेगरीज में फिट ही नहीं हो रहे थे कि मतलब हमारे पास वो पहले स्केल में उन्होंने अपॉइंट होना था तो वो हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं थी एसेंशियल की। फिर मैंने उन्हें कहा कि काइंडली इसको फर्दर अमेंड कर दें कि अगर मेरे पास नहीं है तो ये जाएँ वहाँ पे एडजस्टेंट डिवीजन में पिशावर डिवीजन में या पंडी डिवीजन में ये ऑप्ट करें वहाँ पे ये गैंगमैन जाके करें ना काम। अब वो आप पता नहीं आप वो बदौन दे रहे होंगे या मतलब जो भी है या वो कहेंगे इसको गोली मार देंगे ये क्या हमारा तो बैठे बैठे मतलब सारे वो प्लान पे ही मतलब डड़ा वर्क हो गया। अब आप देखें ना कि जब आपकी ये अप्रोच हो कि आपने एक फर्स्ट से काम नहीं करते। मैंने वो एक जनरल मैनेजर थे मैं उनका स्टाफ ऑफिसर था तो वहाँ पे रिकैरी फैक्ट्री में जनरल मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग तो उसमें जो 90% एप्लीकेशन मुझे वो मार्क करते थे ना उसके अंदर किसी जगह पे भी ये नहीं लिखा था यदि मुझे टेक्निकल काम करने का शौक है मुझे नौकरी दे दो उसमें ये लिखा था मेरी मम्मी बीमार है मेरी इतनी बहने हैं मेरे इतने भाई हैं नौकरी दे दो। देयर वॉज नो इंटेंशन ऑफ एनी विलिंगनेस टू वर्क कोई था ही नहीं मतलब 90% एप्लीकेशन में ये नहीं होता था कि मुझे कुछ काम करने का शौक है मुझे काम दे दें टेक्निकल काम करने का शौक है तो मुझे ध्यान रखें उसमें पर्सनल लोग था ऐसे है मर गए भूल गए। अब ये आपने रेलवे को एज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक है फिर तो होने दें चलने नहीं सर अदरवाइज
आपको पता है कि गरीब जो रेलवे के हमारे क्लास 3-4 में भर्ती होते हैं उसकी ज़िंदगी का यही मकसद होता है, मेरा बेटा रेलवे में भर्ती हो जाए और जो मेरा क्वार्टर होगा वो इसको लौट दे। एंड नाउ द थर्ड जनरेशन आर लिविंग इन द रेलवे कम्युनिकेशन। दादा था, फिर बाप था, फिर वो था, बेटा था। ये जब आप जाएंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा ये बड़ी वो बातें कुछ दूर बंद तो होना चाहिए, मुझे भी नहीं होना चाहिए। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप रेलवे की बात कर रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि अगर ये हमारी इक्वेशन है कि हम 110 अरब रुपया खर्च करके और 65 अरब कमा रहे हैं, 55 अरब कमा रहे हैं, तो क्या होगा इस मुल्क का हाल है? मतलब फिर ये 55 अरब का टीका तो हम लगा रहे हैं, 100-150 अरब का पट्टी है ये लगा रही है। इस कोर्स का आपको पता है कितना है? ये जो 2.4 ट्रिलियन रुपीज सर्कुलर डेट, 2.4 ट्रिलियन रुपीज डेट, उसमें ऑयल कंपनीज हैं, उसमें आईपीपीज हैं, पूरा एक विशेष सर्कल है। अच्छा ये जरा देखें इसको जी, जरा मैं इसको क्विकली वाइंड अप करें। तो ये आपने देखे हैं जरा कि किस ब्रेकडाउन तक वो अकाउंट फॉर होता है सारा एक्सपेंडिचर। अगर आप ये कहेंगे जी ये नहीं ये करते हैं तो फिर आपकी ये तो कॉस्ट एक्चुअल इनकम हो रहा है, ये कोई इमेजिनरी कॉस्ट तो है नहीं, कि नहीं जी ये भी डाल दें वो भी डाल दें। फिर उसके बाद शॉप ऑन कॉस्ट के बाद ये भी उसमें आता है कि कोई बंदा शॉप का सस्पेंड हो गया, सस्पेंशन में तनख्वाह तो मिलती है, ये भी आप के लिए एक अच्छा है खबर कि सस्पेंशन में तनख्वाह मिलती है तो वो भी अकाउंट फॉर होनी है किसी हेड में। और वो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कोई बंदा सस्पेंड हुआ है तो उसमें अकाउंट फॉर होगी। चले इसको फिर आप और ज्यादा डिसार्ट होंगे, पहले ही आप बॉन्ड साइन करते हैं, आप बॉन्ड साइन करके पछता रहे हैं, इसको फिर करेंगे। ये आपकी तलाशी लग जाए, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट डिसीजन, ये एक कोर्ट का डिसीजन है जो अब हेड हुआ हुआ है कि कोर्ट ने कहा था कि जी वो सस्पेंशन में कसूर तो उस एम्प्लॉई का, उसके बच्चों का क्या कसूर है, उनको तो मतलब वो कहीं से देना अपना लिविंग बुक्स के लिए पैसे, ये कोर्ट के ऑर्डर है, ये किसी रूल में नहीं है। It depends upon your crime. It depends upon your charges of misconduct. क्या आपने किया क्या है? लेकिन आजकल के it's really very tough. मतलब अगर कोई ऐसा अल्लाह माफ करे टैग लग जाता है ना फिर वो आजकल तो ये ना कि मिसहैप होता है, पहले बंदा सस्पेंड होता है बाद में इंक्वायरी होती है, वो डैमेज कंट्रोल तो करना है ना उसके। अच्छा जी ये था जनरल ऑन कॉस्ट थी, शॉप ऑन कॉस्ट। अच्छा फिर उसके बाद नहीं खत्म नहीं हुआ, जनरल ऑन कॉस्ट ये आपने कर लिया था। अच्छा जी शॉप ऑन कॉस्ट देखें, अब इसमें बड़ा कुछ माइन्यूटली कुछ चीजें आपको फील होंगी इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक कुछ भी नहीं है लेकिन दे आर वेरी प्रिसाइजली और बिल्कुल थिन लाइन की तरह उन्होंने ना इनको डिफाइन किया हुआ है। सर इसका ये बिल जनरेट होता है ये भी चीज का, इसको फॉर्मेट है कि ना ये डेट कॉस्ट आ गई, ये डेट कॉस्ट आ गई, जी बिल्कुल। आप 6 महीने बाद ये कैलकुलेट होना चाहिए, होता नहीं है, मैंने तो करवाया भी यहाँ पे सारी कैलकुलेशन, तो वो उसमें वी आर एंडिंग अराउंड ये जो 100 रुपये की चीज बनती है ना उसके ऊपर हम तकरीबन कोई 350-350 रुपया एक्स्ट्रा ऑन कॉस्ट चार्ज करते हैं। और वो अच्छा जो एक चीज मैंने बतानी है ना बड़ी, एक ये जरा देख लें, परफॉर्मा ऑन कॉस्ट जो है ये होता है फॉर कमर्शियल कॉस्टिंग, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको काम दिया तो वो जो पूरा पलंदा है उसके अलावा ये भी डालना है उसको कि वो ताकि कोई कसर रह ना जाए, कि वो जनरल ऑन कॉस्ट शॉप ऑन कॉस्ट वो तो डलने ही डलने हैं
उसके बाद अगर कोई लेट्स से ये पाक ऑस्ट्रियन स्टूडेंट ने कहा कि हमें कोई लेट्स से ये बना दें रोस्टर, तो उसके अंदर वो जनरल और डायरेक्ट कॉस्ट, शार्प ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट और ये भी सारा डाल दें। अब आप जरा पढ़ें ये क्या है, इसके अंदर सारा जो है ना वो वहाँ पर कोई ये न्यू माइनर वर्क अगर कोई ट्यूबवेल भी लगा है ना उधर वर्कशॉप में, उसकी कॉस्ट भी उसमें डालेंगे आप। नहीं ऐसा नहीं है, देखें आपके ऑलमोस्ट पे सैलरी 6 महीने तक तकरीबन सेम रहती है। अगले 6 महीने जिस तरह अभी दिसंबर में आप लोगों की इंक्रीमेंट लग गई, हमारी भी इंक्रीमेंट लग गई, तो वो 6 महीने बाद और फिर अलाउंसेस इस तरह साथ चेंज होते हैं प्रोपोर्शनली, तो वो फिर क्या होता है कि वो आप हर 6 महीने बाद कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ये कोई थ्रेटिकल कैलकुलेशन नहीं है कि वो आपका पूरा एक एक एक्सपेंडिचर अकाउंट पार करके फिर आप उसको उस पर कर देते हैं कैलकुलेट के जी जो लेबर कॉस्ट आएगी उसके ऊपर ये फैक्टर डिवाइड करेंगे 100 से ज़्यादा देंगे तो वो जो कॉस्ट फैक्टर आएगा वो ऐड हो जाएगा उसमें। सर तो इसमें ये है कि जिस तरह हम रिलेट करते हैं ना कि जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उतनी आपकी कॉस्ट जो है ना रिड्यूस होती है, नंबर ऑफ आइटम्स आप जितनी मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑफकोर्स अगर आपका देखिए ओवरहेड चार्जेस फिक्स होंगे उसमें या उसमें देखें जब आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा क्वान्टिटी ऑफ आइटम्स बढ़ेगी तो उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम बीच में जो बाकी एक्सपेंडिचर के उसमें मटेरियल फालतू इस्तेमाल होना है, फिर बाकी आइटम्स भी तो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होनी है, ओवरटाइम ज़्यादा लगना है, ये सारी चीज़ें कुछ फैक्टर्स ऐड होंगे, लेकिन सर्टनली व्हेन द रेट ऑफ प्रोडक्शन यू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन यू रिड्यूस द ओवरहेड्स। बेसिकली ऑन कॉस्ट इज सार्ट ऑफ ओवरहेड्स है बेसिकली। अब जब आपने किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को बना के देना है तो ये परफॉर्म ऑन कॉस्ट इज मस्ट, ये फिर आपने सारा जो है इनको वो ये चीज़ों को ऐड अप करना है। इसको रिड्यूस करने का लेकिन अगर चाहिए 12 चाहिए 10 चाहिए 1 तो फिर क्या है? तो ये सारे जो है ना अंग्रेज ने बिल्कुल प्रिसाइजली एक एक एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर किया, अकाउंट फॉर करके उसने कहा जनाब ये जब आप कॉस्टिंग करेंगे ना अपने मैन्युफैक्चरिंग आइटम की तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होनी होनी है। हाँ हाँ क्या तो सर ये डिप्रिसिएशन कॉस्ट को नहीं लगाते कि मतलब ये एक्सपायर होने के बाद हमारे डिप्रिसिएशन के बाद में कोई कॉस्ट होता हो प्रॉब्लम इसका हो गया ना। देखिए वो हम नॉर्मली उसको अकाउंट फॉर पहले होता था एक डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड डीआरएफ, वो डीआरएफ फंड ये होता था कि आप अपने बजट के अंदर फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक मशीन खरीदी है उसकी कॉस्ट का आप 10% रिडक्शन जो थी ना आप एक अलग सेपरेट हेड ऑफ अकाउंट में डालते जाते थे 10% पर एनम एस्टिमेशन मतलब डेप्रिसिएशन जो थी उसका उसमें वो फंड में रिजर्व कर देते थे फॉर फ्यूचर प्रोक्योरमेंट के लिए 10-15 साल बाद जब ये कंडम हो जाएगी स्लैब डिक्लेयर हो जाएगा तो आई मस्ट हैव अ बकेट टू बाय अनदर मशीन बदल। वो हमारे जब हमने सर्विस ज्वाइन की उसके बाद तो हमने नहीं देखा कि कभी वो इम्प्लीमेंट हुआ है, बल्कि उसको था ही नहीं, किताबी हमने पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता था किसी इन गुड ओल्ड टाइम्स। रेलवे का आपको पता है कि अर्ली 70s में रेलवे का अपना बजट होता था, जिस तरह फेडरल बजट है इस तरह रेलवे का अलग बजट टेबल होता था। अब तो हमारी डिपेंडेंसी मतलब इतनी हो गई ना कि हम, और उस जमाने में इस तरह का गंध नहीं था तकरीबन, मतलब आप कह रहे हैं कि ब्रेक इवन
या उस देखें दो चीजें आप क्लियर कर लें, रेलवे को अगर तो आपने चलाना है कमर्शियल एंटिटी, फिर ये सारी ऑन कॉस्ट, तो ये शॉप ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट, परफॉर्म ऑन कॉस्ट, ये होनी है अकाउंट का। और अगर आपने चलाना है इसको एज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये जिस तरह चल रही है, तो फिर क्या होगा कि फिर 110 अरब का एक्सपेंडिचर होगा, अर्निंग होगी 50 अरब, और फिर यू विल बी बैगिंग बिफोर द प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए पैसे दे, along with compromising the quality of service you are delivering, along with the compromising the routine maintenance of your infrastructure, rolling stock, everything. Ab aap mujhe ye bataye na ki locomotive is a very sophisticated machine. Kisi locomotive aise dekha hai usne shed mein, koi andar jaake cab mein, ya koi engine room, koi bogie truck, koi suspension system, ya koi सीडीएल ले थे, सीडीएल वर्कशॉप ओके। अब आप मुझे ये बताएं कि व्हेन यू आर डेफिशिएंट ऑफ 65% ऑफ द मेंटेनेंस बजट इन एवरी हेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर रोलिंग स्टॉक, फॉर सिग्नलिंग सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वी कैन बी मेंटेनिंग। कि आपको चाहिए लेट्स से 12-14 अरब रुपया आपको मिलता है, 6 अरब रुपया, 7 अरब, तो आप किस तरह की मेंटेनेंस करेंगे। और लिटरली समटाइम्स इट हैपेंड व्हेन हम जब हम फील्ड में थे, तो वो फिर जब हम किसी अपने सबॉर्डिनेट को डांटते थे, तो हम फिर अवॉइड करते थे कि वो ये कहे कि सर ये पिछले 3 साल से आइटम ही नहीं आ रही है, ना हमें हेडक्वार्टर में खरीद के दिए है, ना हमें स्टोर से आ रही है। तो दैट वॉज वेरी डिस्करेजिंग। हम कहते थे यार अब इसका क्या जवाब दें, क्या तो वो ठीक रहे। और दूसरी साइड में ये आपको हमारी नलायकियों को भी कवर करता है कि हम मतलब वो भी शॉर्टफॉल है, हम भी नलायक हैं, और हम फिर कह देते हैं कि जी वो तो सर क्या करें सर, वो सामान ही नहीं मिलता, हमें क्या मेंटेन करना। बट एटलीस्ट वी कैन इम्प्रूव टू सम एक्सटेंट। ये कम से कम मुझे 1 इंच तो आगे जाना है। अब आपको मैंने बताया कि सोप डिस्पेंसर अगर हफ्ते बाद भी उधर ही पड़ा हो और ट्रेन दिन में 2 फेरे लगा रही है पिंडी लाहौर के, तो फिर उस बंदे को स्लॉटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, whosoever is responsible। Sometimes तो ड्राइवर लोकोमोटिव को बंद भी नहीं करते अपने स्टेशन पे पहुंचते, वापस जाना है वो 5-6 घंटे उसी ऑन पोजीशन में रहते। उसकी 2-3 रीजनिंग है, उसकी 2-3 रीजनिंग है। नंबर वन, नॉर्मली 2-3 आवर्स इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वो फिर दोबारा प्रेशर बिल्डअप करना, दोबारा सारी चीजें चेक करना। लेकिन इसके अंदर इनसाइड स्टोरी एक और भी है। जब वो कहते हैं, वो कहते हैं सर वो डर है दोबारा स्टार्ट पता नहीं हो या ना हो, ये भी हमारा लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है कि हमारी मेंटेनेंस इतनी दूर है कि जनाब वो पता चले कि जनाब वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, वो गियर ही एंगेज नहीं हो रहा फ्लाईव्हील के साथ जिसने स्टार्ट करना है, बैटरी रन डाउन हो गई है, सो मेनी फैक्टर। तीसरा एक और एंगल है तो ज़रा सेफ्टी के, स्पेशली जो घाट सेक्शन होते हैं ना जहाँ पे ग्रेड होता है, वहाँ पे इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू शट ऑफ द लोकोमोटिव, क्योंकि उसके अंदर जिस तरह हमारा कैजुअल एटीट्यूड है ना, वरना तो ये होता है आपको पता है ना कि अगर रास्ते में इंजन फेल हो जाता है तो गार्ड और असिस्टेंट ड्राइवर की ड्यूटी है, एक ने एक एंड पे जाना है, दूसरे एंड पे, और उन्होंने ट्रेन प्रोटेक्ट करनी होती है। आपको पता है गार्ड की ड्यूटी में ये भी शामिल है, जो कि कभी आपने सुना कि जी वो ट्रेन चलने से पहले ये ऑपरेटिंग मैनुअल में आप पढ़ लीजिएगा, ये रूल है बकायदा, जिसके अंदर ये है कि जी गार्ड विल इंश्योर कि जी सारी ट्रेन के जो डोर्स हैं वो लॉक्स हैं, बंद है एट द ओरिजिनेटिंग स्टेशन। Who cares? रोज आए दिन, कल भी कोई आया हुआ था कि बंदा गिर के जख्मी हो गया, पत्ता गिर के। तो ये हमारा जिस तरह की हमारी सोसाइटी है उस तरह के हम हैं, या जिस तरह के हम हैं उसी तरह की हमारी सोसाइटी है। ये तो है अपनी जगह। अच्छा, अब वो सारे आपने देख लिए जी कि वो सारे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट होने हैं, वो ऐसे दिल को समझाने वाली बात नहीं है कि आपके
कि जी वो एक आध दफा ऐसे हो जाए कि मतलब आपके घर का 20,000 फ्यूल है, कोई आपके अंकल बाहर अमेरिका से आए हों, वो कह रही गाड़ी दे दो तो ये मैं यार फ्यूल डलवा दिया करूँगा, तो उस महीने तो आपका खर्चा 20,000 कम हो जाएगा, लेकिन रियल सेंस में तो वो अकाउंट फॉर होना है एक्सपेंडिचर, आइदर इट इज पेड बाय यू बाय योर फादर और एनी अदर फैमिली मेंबर, वो आपने उस टोटल एक्सपेंडिचर में तो अकाउंट फॉर करना है ना, वो ऐसे नहीं है, वो हर खर्चा आपने अकाउंट फॉर करना है, हर एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर होना है इन एनी मैन्युफैक्चरिंग, तब जाके रियल अकाउंट आएगा। अगर आप बिल्कुल समझाने के लिए आप इस बार, हाँ वो जो परफॉर्मा ऑन कॉस्ट है ना कि वो आप किसी कमर्शियल एंटिटी के लिए कि मसलन कुछ काम हम करते हैं मिलिट्री की, मिलिट्री का अपना रोलिंग स्टॉक है, उनकी हम मेंटेनेंस करते हैं, अच्छा उसमें हम ये दब के लगाते हैं ना जब पैसे, वो कहती है ये आपने किया क्या है, हमारी गाड़ियाँ ना चलती हैं, आपने सिर्फ पेंट किया है और बस रंग रूम करके आपने निकाल दिया है, और आपने हमें इतना ज़्यादा मतलब ये 350 मिलियन 400 मिलियन आप एक्सपेंडिचर बुक कर देते हैं। अच्छा तो उसमें क्या होता है कि जनरल मैनेजर रेलवेज के पास पावर होती है कि वो कोई 50% तक परफॉर्मेंस कॉस्ट को कटेल कर सकता है, ये बेसिकली इसको आप ये कह लें कि इस को हम मिस यूज़ करते हैं, और मिस यूज़ करने से ये होता है कि वो फिर वो चीखते हैं आके फौजी, वो कहते हैं पहले तो जितना मर्जी वो लगाते थे वो भी साइन कर देते थे, अब वो थोड़ा सा वो भी स्मार्ट हो गए, वो कहते हैं कि आपने किया क्या है, हमारा तो कोच पूरे साल नहीं चली, खड़ी रही है स्टेबल खड़ी रही है, तो ये कैसे मतलब एक्सपेंडिचर बुक हो गया, तो हमने कह दी वो शॉप में आई है जो भी चीज़ है हमने क्वालिफाई तो करनी है, वो कहें जी या फिर ये है कि हमें दिखाया करें फिजिकली कि जी आपने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है, आप तो सिर्फ बस साफ सूफ करके और फिर हमें डेबिट कर देते हैं, तो फिर ये हुआ उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए वो करेंगे तो हम आपको फिलहाल परफॉर्म ऑन कॉस्ट के किसी कमर्शियल एंटिटी के लिए जो आपने चीज़ बनाई है उसका वो जो एक्सपेंडिचर आता है उसमें कोई महल कुछ 45% या 50% तक GM कैन वेव ऑफ, बाकी सारा कंफर्म है, बाकी किसी की वो नहीं है, और अगर वो आप अकाउंट फॉर नहीं करते तो फिर वो ऑडिट वाले ऑब्जेक्शन करते हैं कि जनाब ये अकाउंट फॉर होना था, तो बजटिंग में जो हमारी शॉप्स हैं जो ओपन लैंड में शेड है वहां से इनपुट डालते हैं, बजट में जो ओवरऑल रेलवे का बजट बन है उसमें हमारी इनपुट जाती है शॉप से या वर्कशॉप है या ओपन लैंड में शेड, ये मैं बता देता हूँ, उसमें हर प्रिंसिपल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी बजटिंग प्रिपेयर करें, हर प्रिंसिपल ऑफिसर इनपुट नॉर्मली नहीं रिक्वायर्ड होती उस लेवल पे, वो हेडक्वार्टर ने ऑलरेडी ईयर मार्क किया होता है कि इतना इतना बजट उसका 10% या जितनी तनख्वाह बढ़ी है वो ऐड कर देंगे, बाकी तो खास नहीं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफिसर ने अपना बजट देना है अपने डिपार्टमेंट का, बाकी फिर डिवीजन्स का अपना जो है वो DS देता है एक टेंटेटिव एस्टीमेट हर ब्रांच का दे देता है, उसमें अकाउंट फॉर करते, तो आप लोगों का मैंने आपको कहा था कि आप लीव रूल देखें आप बजटिंग देखें, ये अगर आप नहीं देखेंगे ना बिलीव मी यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और ये आएंगी इंटरेस्ट से, वैसे नहीं आएंगी, वैसे नहीं आएंगी, सिर्फ इतना लिखूंगा लीनूल एप्लीकेबल टू फेडरल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, आप देखे पूरे वो 10-12 पेज आ गए, इट इज नॉट अच्छा फिर ये है कि ये जो लीव रूल्स हैं जो प्रोवेंशल के हैं ना वही फेडरल के हैं, आपको वो नहीं प्रोवेंशल के मिल जाएंगे, लीव रूल्स तो सेम है। अच्छा जी ये जरा क्विकली देख लें इसके अंदर कोई अगर क्वेश्चन है तो, ये फ्यूल का कोई देखा था वहाँ पे शेड में ओपीस, मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग का पेपर है ना ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड वो ओपी कहलाएगी, बाकी हर डिपार्टमेंट का अपना अपना पेपर है, ऑपरेटिंग का है ना बेसिकली, फ्यूल इज अ ऑपरेटिंग सब्जेक्ट,
तो उसके अंदर रूपी 1 है, 4 है, 27 है, 28 है, GM32 है, ये इस तरह की मुख्तलिफ हैं जिसके अंदर डिफरेंट क्लास वाइज, लोको वाइज, लेकिन जो एक डॉक्यूमेंट ड्राइवर कैरी करता है दैट इज OP27. Whenever any driver is entering on the locomotive, he has to take the charge of available fuel, record it on the OP, jointly to be signed with the foreman. ये जी इतना फ्यूल मैंने ले लिया। लोड टिकट में नहीं, OP27. वो अलग से ड्राइवर के पास दो डॉक्यूमेंट जो वो कैरी करता है, इंजन में ME1, जिसके ऊपर वो लोकोमोटिव की रिकॉर्ड करता है सारी परफॉर्मेंस, लो ऑयल प्रेशर, फ्यूल ऑयल प्रेशर। क्या नाम था? ME1। अच्छा, फिर उसके बाद रास्ते में एनी फेलियर, एनी प्रॉब्लम, एनी ट्रबल एक्सपीरियंस, वो उसके ऊपर रिकॉर्ड करता है। ये ड्राइवर की ड्यूटी का हिस्सा है। और वो जो एक क्वेश्चन था ना आपका, वो जो पेपर में आया था, वो यही था बेसिकली कि जी वो ड्राइवर क्रू की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रू की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही हैज टू चेक ऑल दी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। वो डिफाइन है उसके अंदर कि एक नॉच के ऊपर कितना लूब ऑयल प्रेशर है, कितना फ्यूल ऑयल प्रेशर है, टर्बो प्रेशर कितना है, दो नॉच पे कितना है, तीन पे कितना है, चार पे कितना है, लूब ऑयल प्रेशर, फ्यूल ऑयल प्रेशर, टर्बो सुपरचार्जर, मेन रिजर्वायर, बाकी इस तरह के, वो पूरा एक परफॉर्मेंस है इसके ऊपर। नो, इट इज अ स्टैंडर्ड, इट इज अ स्टैंडर्ड परफॉर्मर। नहीं, उसके अंदर एडिशनल कोई GU40 का अगर कोई है रेलेवेंट क्लॉज तो वो डाल दी जाती है, अदरवाइज देयर इज ओनली वन ME1 फॉर्म। तो ME1 फॉर्म के बैक पेज के ऊपर उसने रिकॉर्ड करना है कोई भी अगर उसका वो हुआ, किसी किस्म की रास्ते में प्रॉब्लम आई है, ट्रबल आई है लोकोमोटिव के अंदर, विसल प्रॉपर ग्लो नहीं कर रहा, टर्बो प्रेशर कम है, हॉलिंग पावर पुअर है, स्मोक दे रहा है, इट इज हिज ऑफिशियल ड्यूटी टू रिकॉर्ड इट ऑन द ME1 फॉर्म। वो फिर शेड के अंदर आके वो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस स्टाफ ने चेक करना है, दैट इज बुक रिपेयर ऑन द ME1 फॉर्म। वो सबसे पहले देखेंगे कि जनाब इसके ऊपर क्या रिपेयर बुक है। लेट्स से वो कहता है जी कि मेरी ब्रेकिंग पावर पूर है, विच इज वेरी सीरियस फिनोमेना। अच्छा, वो हमने ना एक एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर एक ट्रेन लोकोमोटिव रोल डाउन हुआ था। अच्छा, उसमें ना ड्राइवर ने लिखा था, उससे पहले वाले ड्राइवर ने, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उससे तो 10 दिन पहले, वो उस वक्त इलिटरेट ड्राइवर होते थे, आठ मिडिल पास, तो कुछ नहीं तो ऐसे लिख देते थे, ब्रेक ब्लॉक चेक करें, ब्रेक एडजस्ट करें, अच्छा ब्रेक कमजोर है, बस ये तीन चार सेंटेंस उन्हें आते थे, वो स्टीरियोटाइप लिख देते थे। अच्छा, वो इंजन रोल डाउन हो गया, रीजन कुछ और थी, तो वो बड़ा मिसलीडिंग किस्म का, जब FGR ने वो ME1 फॉर्म जब इंक्वायरी होती है तो वो डॉक्यूमेंट चेक होता है कि जनाब दिखाएं इस लोकोमोटिव में क्या क्या, तो पिछले 10-15 दिन में उनको ट्रबल तो नहीं आई। तो वो उन्होंने कहा कि ये देखें, ये तो लिखा हुआ है ब्रेक ब्लॉक, कंडम ब्रेक ब्लॉक चेक करें, कंडम प्लान चेक करें, ये तो आई वाज डीएमई, तो अभी आपने मुझे बुलाया कि ये देखें जी, ये तो पहले इसमें लिखा हुआ है कि इसके ब्रेक ब्लॉक ही कंडम थे, ये तो होल्ड डाउन होना ही होना था। तो मैंने कहा जनाब ये आपको मैं इसी ड्राइवर के डिफरेंट लोकोमोटिव्स के ऊपर यही लिखा हुआ है, इसमें मतलब मुख्तलिफ लोकोमोटिव्स हैं, मुख्तलिफ टाइम पे जब वो गया है, ये सीरियो तीन चार सेंटेंस लिख देता है। तो वो जब निकाला तो वही, मैंने कहा सर ये देखें इस लोकोमोटिव, अब हाउ इज इट पॉसिबल कि जी हर एक ब्रेक ब्लॉक। अच्छा, फिर एक और है कि इफ लोकोमोटिव के ऊपर तो तीन चार क्रू ट्रैवल करते हैं, इफ द रिपेयर और द प्रॉब्लम इज जेन्युइन, इट इज टू बी रिकॉर्डेड बाय ऑल ड्राइवर्स। पॉइंट समझे कि फॉर एग्जांपल मैं लोकोमोटिव लेके गया, मैंने ऐसे लिख दिया जी कंडम ब्रेक ब्लॉक चेंज करें, इसकी ब्रेकिंग पावर पूर है उसको चेक करें, अच्छा लाइट कमजोर है, ये लिख दिया मैंने। अब ये उसके बाद लोकोमोटिव किसी दूसरे ड्राइवर ने जब वो यूज किया है, तीसरे ने, चौथे ने, तो उसको भी तो यही फिर प्रॉब्लम एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। तो वो फिर जब दिखाया VR को, देन ही वाज कन्विंस कि हाँ सही कह रहे हैं आप, तो इसको टेकअप करें। मैंने कहा जी वो हम कर लेंगे अब, लेकिन इसका ही इज हैबिचुअल,
कि ये जिस लोकोमोटिव में बैठेगा ये तीन चार सेंटेंस लिख देगा, तो द रिपेयर हैज टू बी जेन्युइन। वो फिर सबसे पहले शेड में चेक करते हैं, फिर वो दूसरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो, ये बात चली थी फ्यूल से, दैट इज OB-27। OB-27 जो है उसके अंदर वो ये बकायदा लिखा होता है फ्यूल कितना लिया, कितना कंज्यूम हुआ, और फिर हर जो फ्यूल होता है ना इसमें बकायदा राशन फिक्स किया जाता है। विंटर का अलग राशन होता है, समर का अलग राशन होता है, फिर क्लास ऑफ लोकोमोटिव विद द ट्रेलिंग लोड, गुड्स के लिए अलग राशन है, पैसेंजर के लिए अलग राशन है, सेक्शन वाइज हर चीज जो है वो एक कैलकुलेटेड है। वो परसों ना मैंने फोन किया, एक उधर FOR है जो ये फ्यूल का कस्टोडियन है, अच्छा काम मेरा कुछ जाती काम था, मैंने उससे कहा कि यार, तो उसे कहा सर मुझे तो मिनिस्ट्री बुला लिया। मैंने कहा क्यों बुला लिया? उनका सर मुझे तो कोई पता नहीं। तो उन्होंने कहा बस सुबह आ जाए करें और शाम को जाया करें। तो मैंने टॉक टू सम वेरी सीनियर ऑफिसर, मैंने सर उसको बुला लिया, आई नो हिम, तो बड़ा अच्छा वर्कर का एक बंदा है। उनका कि जी नहीं, मिनिस्टर साहब की तरफ से मैसेज आया था, चोरी वो कहते हैं होती है। उसने कहा कि सर आपको पता है, आपको तो नाम नहीं पता है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो उसने कहा कि सर वो एक क्लर्क था, वो काम नहीं करता था, तो डीएमई साहब ने कहा था इसको स्पेयर करके दे दो, उसको मैंने स्पेयर किया है, तो शायद उसने कंप्लेंट की है, मैंने बस अब बैठो उधर ही बेचारा, हालांकि उस बेचारे का कोई फॉल्ट नहीं। देखें चूंकि अभी तक हमारी फ्यूल डिस्पेंसेशन जो है ना वो मैनुअल है, इट इज नॉट थ्रू एनी स्पेसिफिकेटेड अरेंजमेंट और समथिंग लाइक दैट। इसी तरह ये जो RTL बिजली वाले हैं, इनकी तो समझने की और एक क्लास है ना, कि वो उनकी कैलिब्रेशन भी कोई नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब ऐसे है कि जैसे कभी आप देखिएगा कि पावर प्लांट में वो कैसे मैयर करते हैं, हु इज इलेक्ट्रिकल समझे, कि वो अच्छा तो वो उसमें आप जरा वो देखिएगा उसकी कैलिब्रेशन का तरीका था, कि वो किस तरह मैयर करते हैं और क्या वो एक टेक्निकल क्राइटेरिया फुलफिल करता है। डेप्थ मेजरमेंट तो होता है कि वो देखें आपका टैंक है वर्टिकल शेल फॉर्म में, ठीक है, वर्टिकल शेल फॉर्म। अब उसका एक हाइट है, उसके अंदर एक इंच की जो ग्रेजुएशन जब कम होगी, आपने उसको कैलिब्रेट किया हुआ है कि जी एक इंच अगर कम होगा तो इट विल कम डाउन टू से 800 liters। बहुत बड़े बड़े बदन में आपने टैंक देखे हैं कि ह्यूज, वो इस कमरे के बड़े वॉल्यूम है उनका। आप देखें ना एक टैंक तकरीबन 6-6.5 लाख लीटर उसमें वो स्टोर करते हैं, 6.5 लाख लीटर और दो टैंक है सर। तो उसकी वो कैलिब्रेशन होती है, यानी इतना ड्रॉप होगा तो वो मैं देख रहा था एक दिन, ऐसे मैं लाहौर से आया तो वो नेक्स्ट रीजन पावर प्लांट था, तो मैं गुजर के जा तो गाड़ी की तरफ रहा था, तो वहाँ पे वो मैंने कहा कि तो उधर मुझे वो फोरमैन मिल गया बिजली वालों का, तो मैंने कहा कि ये कौन सा तरीका है कैलिब्रेशन का, कि आपकी तो वो जो बैनेट गेज है जैसे आपकी गाड़ी की नॉर्मली गेज होती है ना, ये इसमें तो कोई ऐसा वो 3-4 लीटर ऑयल होता है, तो नॉर्मली ये होता है कि बैनेट गेज का भी वो वर्टिकल होता है कि वो जो ग्रेजुएशन आएगी आप उससे वो कम फा करते। मैंने कहा ये तो डाल ही एंगुलर है, तो ये कैसे मैयर करेगा कि एंगुलर में किस तरह वो लेवल आ जाएगा उसका, कि भाई तो ये तो उन्होंने कहा सर सामने तो यही दस्या है, क्या बस दस्या है, ठीक है। एनीवे वो बात ये है कि आपको पता है हमारा जो सैलरी के अलावा जो बजट है सबसे ज़्यादा, हमारा सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर है ना, जो हार्ड कैश है, जो आप
डेली बेस पे पैसे देते हैं और डेली बेस पे खरीदते हैं. इट इज HSD हाई स्पीड डीजल. कराची से तो वो मुफ्त थोड़ी आता है. डेली से मुराद ये होता है ना कि एक ट्रेन आ गई तो वो कोई 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन का राशन होता है. क्योंकि ये छोटे शेड है ना, इनमें हार्डली डेली कंजम्पशन इज नॉट मोर देन 6 to 7,000 liters. इससे ज्यादा नहीं. सबसे ज्यादा लाहौर कराची में सबसे ज्यादा कंजम्पशन. कराची नंबर वन. हमारा 8,000 liter तो एक में नहीं होता. सॉरी 8,000 liter लेकिन वो ऑलरेडी फुल होके आता है ना लाहौर से, तो उसमें 1,000, 1,200, 1,500 liter ऐड हो गया. ये थोड़ी है कि वो खरीद है. तो वो उसके अंदर हैं इश्यूज हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं, उसमें कोई शक नहीं. लेकिन जो जब तक ये सिस्टम वो जो है ना, एक ऐसे ही जिस तरह के रेलवे में करप्शन है इसी तरह की तेल चोरी होता है. ये बिल्कुल ऐसा एनेक्डोट है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह की तेल. देखें मैं आपको दे सकता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आप मुझे 5 लीटर तेल निकाल के दिखाएं शर्ट से. ये चैलेंज है. वेस्टेज हमारी एम्पल है. चोरी देखें, चोरी जो एक्ट होता है ना वो कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है जिसमें वो हाँ जब वो होता है ना क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज एक्ट, फिर 5-10 लीटर नहीं निकलता. फिर निकलता है थाउजेंड्स के हिसाब से. आपको पता है एक स्कैम हुआ था, उसमें सारे बंदे डिसमिस हो गए, अरेस्ट हो गए. वो क्या करते थे कि वो कराची के अंदर जहाँ पे स्टोरेज था वहाँ पे रात को वो एक पंप लगाते थे, पंप लगा के और उसका वो उसके साथ कनेक्ट करके अंदर फ्यूल टैंक के अंदर डाल देते थे और उसको एक ड्रेनेज लाइन से वो बाहर निकाल के आगे ब्लॉक कर देते थे. शेड से बाहर थी ड्रेनेज लाइन, लेकिन शेड के अंदर से ड्रेन गुजर के जाता था. तो वो उसमें वो रैकेट अरेस्ट हो गया, सारे बंदे पकड़े गए, सारे डिसमिस हो गए, रेलवे के थे. और वो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उसके अंदर तो देखे ना, लेट्स से फ्री प्लान, यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल एक्ट है, कोई हम कहते हैं कि कोई शरारत करनी है तो इंडिविजुअल एक्ट तो हो सकता है. लेकिन अगर हम सारे मिलके कहें कि लेट्स से मेक अ मिस्टेक और सिस्टम है, तो एक वो सबवर्सिव किस्म की एक्टिविटी होगी, वो फिर वो शरारत नहीं करती. तो वो अभी एक केस था, कोई एक साल पहले हुआ है, उसमें क्या था कि गुड्स ट्रेन पे रोड़ी का ड्राइवर था, उन्होंने रास्ते में गाड़ी रोकी और एक ब्रिज के ऊपर वहां पे कैंस ऑलरेडी वो एक पूरा रैकेट था, तो उन्होंने 8-10 कैन अरेंज किए हुए थे और वो ड्रेन पाइप डाला टैंक के अंदर और वो भाग रहे थे, सारे पकड़े गए. तो वो ये ऐसे डिथ बना हुआ है. हाँ वेस्टेज इज देयर. अब वेस्टेज को आप इक्वलाइज कर सकते हैं कि ये भी एक क्राइम ही है और है क्राइम, लेकिन ये है कि वेस्टेज इज देयर. और हमारा तकरीबन एट एन एवरेज पूरा जो पर डे, आपको पता है हम कितना तकरीबन वही ऑलमोस्ट कंज्यूम 15 करोड़ से 16 करोड़ लीटर हमारी कंजम्पशन है पर एन, 160 मिलियन ऑलमोस्ट, 18 अरब रुपया, 18.5 अरब रुपये का 20 अरब का फ्यूल हम वो लेते हैं. और जस्ट ऐसे वो उसको कंज्यूम करते हैं जिस तरह पानी है. उसमें जो इकोनोमाइज करने की जरूरत है, ऐसा पिल्फरेज वाला एलिमेंट इज वेरी वेरी मिनिमल, विच इज मतलब कॉमन कर लिया, वो किसी और जगह भी हो सकता है, लेकिन वी मस्ट इकोनोमाइज अवर ऑपरेशन टू सेव द फ्यूल. तो ये जरा देखें फ्यूल के, ये कोई देखे थे आपने लाल पीली नीली पेंसिलों के साथ वो फिल कर रहे होते हैं, सारा मैनुअल है.
अच्छा इसके अंदर ना एक फ्यूल के अंदर मैं आपको, चूंकि ये बड़ा मेजर सब्जेक्ट है बट वी डोंट हैव द टाइम नाउ, एक होता है LOMS, लोकोमोटिव ऑन मिसलिनियस सर्विस। वो होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अच्छा फ्यूल जो है वो आप CCP परक्योर करता है, COPS डिमांड देता है कि जी मुझे एनुअल इतना परक्योर करके दें, तो हम PSO से लेते हैं, जो कि पिछले दफा हमारा 5 साल का एग्रीमेंट था जो अभी एक्सपायर हो जाएगा ये मई में, तो PSO के साथ इसलिए ज़रा थोड़ा सा कि वो आपको एक क्रेडिट लिमिट देते हैं, जो 2.5 अरब तक अगर आप पैसे नहीं भी देते ना तो 2.5 अरब तक आपको वो क्रेडिट पर दे देते हैं। तो वो जो फ्यूल है वो फिर 5 साल का हमारा उनके साथ एग्रीमेंट था, वो अब एक्सपायर होगा 2022 में, बाकी किसके साथ होता है एक क्वेश्चन मार्क है। खरीदा कराची में जाता है, वहाँ से फिर ऑयल ट्रेन जहाँ जहाँ जितनी डिमांड हो अकॉर्डिंगली फिर हेडक्वार्टर मॉनिटर करता है कि वो वहाँ पे किस किस रास्ते में रूट कितने कितने टैंक वैगन्स वहाँ पे डिटैच करते जाते हैं, फिर वो FOR अकाउंट फॉर करता है, अपनी बुक्स पे लेता है, पुलिस के सामने वो CC वो करते हैं ओपन और फिर वो सारा उसको स्टोरेज कर दिया जाता है। तो उसके अंदर फिर अब जो मेजर कंजम्पशन है इट इज़ मैकेनिकल, फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल फ्यूल कंजम्पशन है जिसके अंदर आपकी ट्रैक मशीन्स, वहाँ पे जो डीजल है वो भी वहाँ पे वो लेते हैं, फिर पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिकल के वो अच्छा, फिर एक ज़माने में तो बसें और ये जो गाड़ियाँ थी ना इनके लिए भी वो इशू होते थे, अब उन्होंने कहा कि नहीं जी वो आप मार्केट से खरीदा करें, लेकिन उसमें फिर ये होता था कि पहले अच्छा फिर कुछ सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए वो खरीदते हैं और स्टैंड बाई जनरेटर्स जो स्टेशन पे हैं उनके लिए वो इशू करते हैं। तो ये एनुअल डिमांड हर इन एडवांस हर डिपार्टमेंट दे देता है और अकॉर्डिंगली वो फिर प्रोक्योरमेंट होती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास रिजर्व्स फुल हो जाते हैं, सारे जितने स्टोरेज वो फुल हैं, तो वो फिर ये करते हैं कि वो फिर लोडिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो होती रहती है। तो बीच में कुछ एक जब ये ऑयल प्राइसेस अभी तो कुछ एस्केलेट हो रही हैं, जब डाउन होती थी ना तो उस वक्त रेलवे की कोशिश होती थी कि मैक्सिमम आप उस ड्यूरेशन में प्रक्योर करके स्टोरेज कर लें जस्ट टू सेव द मतलब बजट, लेकिन ये है कि एट एन एवरेज हमारा 18 से 20 अरब जो है वो इस पर खर्च हो जाता है। देखें अगर तो आप अकाउंट फॉर रियल अकाउंट फॉर करें उसमें आप देखें एक गाड़ी 4 घंटे लेट है ना डेस्टिनेशन पर, जो भी गाड़ी उसका पर आवर के हिसाब से 16 से 18 लीटर आप कंजम्पशन कैलकुलेट कर लें, 4 घंटे लेट है तो तकरीबन 60-70 लीटर, और अगर 10 गाड़ियां लेट हैं तो 700 लीटर, 700 को 150 से गर्म दे दें तो आप देख लें कि वेयर वी हाउ मच सफिशिएंट वी आर। ये डिफरेंट किस्म के पेपर्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं फॉर अकाउंटल ऑफ द फ्यूल, तो इट्स ऑल मैनुअल बट इट नीड्स टू बी ऑपरेटेड ऑन द बट जो सिस्टम है ना, हम कहते हैं कि जी हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, बट यू नो मैंने वो देखा है चाइना के अंदर सिस्टम है, इट इज़ फंटास्टिक, everything is automated, everything is computerized, हर चीज़ जो है उसके अंदर from the initial loading से लेके end dispensation of the fuel तक हर चीज़ computerized है। अब वो सारी चीज़ें करते हुए अब आपको पता है कि हमने जो नए locomotives लिए हैं ना जी उसके अंदर 3-4 checks हैं consumption के, manual gauge, digital gauge on both sides of the fuel tank, then in the driver cab, what is the actual consumption? तीन किस्म के वो पैरामीटर्स हैं। अब जो पुराने आज से हमारे 35 साल या 40 साल पहले लोकोमोटिव चल रहे हैं उनके अंदर कोई प्रोविजन ही नहीं है कि वो हम वो कर सकें, जितने का वो हमने सिस्टम लगाना है उससे और उतने पैसे डाल के वो हम नया लोकोमोटिव ले लेंगे। अब जो नए आ रहे हैं उसमें लेकिन जब तक आपका पूरा सिस्टम डिस्पेंसेशन जो कंप्यूटराइज, आपने देखा है कि पहले एनालॉग जब वो डिस्पेंसर थे
घर 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 वो मोटर के साथ चलते थे पेट्रोल पंप्स पे, तो और उसके अंदर एग्जैक्टली ये होता था कि वो फ्रैक्शन पता ही नहीं होता था कि जी वो अभी तो आप देखें ना उसके अंदर दो किस्म की डिस्पेंसेशन है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, या आप क्वांटिटी कह दें जी 30 लीटर दे दें, या आप अगर ये भी कहें ना कि मुझे 30.2 लीटर दे दो तो ही कैन फिक्स 30.2, या फिर आप इन टर्म्स ऑफ मनी कहते हैं कि मुझे 2250 रुपये का डाल दो तो 2250 का एग्जैक्ट आपको प्रिसाइसली डाल दो। फिर जब आप उस तरह की डिस्पेंसेशन में जाएंगे फिर आपकी हर चीज कंप्यूटराइज होनी चाहिए, पावर प्लांट्स, फिर आपके लोकोमोटिव्स, एवरीथिंग। तो वो बस इस तरह से मैंने तो मैनुअली देखी है, डिजिटल मैंने नहीं देखी है। नहीं वो और बाकी सी चीजें हैं लेकिन ये मैंने नहीं देखी, ये नहीं देखी। चलता है कि नहीं चलता, क्लास वाइज चलता है हर चीज, लेकिन वो है सारा वो किताबी काम के बाद जो आया उसको आगे चढ़ा दिया अगले लेजर पे, अगले उस पे, ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना, OP1, OP4, OP3, ये सारा जो है ना ये आपस में लिंक्स हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो वहीं से एक जहाँ पे जो किसी ने सही गलत ऐड कर दिया ना वही आगे फिगर चलना। सॉरी वो अब मेरा ख्याल खुद खरीदते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले, पहले वो लेते थे या फिर अभी भी वो ये करते हैं कि उससे ले लेते हैं वो जो उसको इशू होता है ना उसको क्या कहते हैं ट्रैक मशीन्स को, वो जो ट्रैक मशीन है वो भी एक बड़ा सोर्स है बिकॉज लोकोमोटिव जो है ना उस पर तो 500 बंदा ट्रैवल कर रहा होता है, 1000 बंदा ट्रैवल कर रहा होता है, रास्ते में लोकोमोटिव अब नॉर्मली रुके तो फौरन पता चल जाता है कि क्यों रुका है, तो वो पैसेंजर भी नीचे उतर के देख रहे होते हैं ये वो, तो वहाँ पे पिल्फरेज वाला एलिमेंट बहुत कम है, नामुमकिन है, वेस्टेज वाला है। और वो जो ट्रैक मशीन है उसके अंदर ये होता है कि वो एक हिडन किस्म का खाता है, वो अलग चल रहा होता है, वो मुझे किसी ने ना कोई बंदा था उसने मुझे काफ़ी सीनियर ऑफिसर उसने मुझे कहा कि वो एक फोरमैन है ट्रैक मशीन का, तो वो उसको वो डीएन साहब तंग करते हैं, तो रेलवे में ये भी है ना किसी को काम का कहें ना तो वो कहते हैं तंग करते हैं, उन्होंने मुझे कहा ना कि यार वो डीएन तंग कर रहा है उसको, तो मैंने सर वो काम का कहता होगा उसे पता है वो अस्पताल में, नहीं नहीं वो तो मैंने कहा जी मैं आई टॉक हूँ। अच्छा मैंने डीएन को फ़ोन किया, मैंने कहा कि यार वो एक कोई फोरमैन है आपका तो वो उससे क्या मसला, उन्होंने कहा सर वो तो बड़ा हराम फोर आदमी है, बड़ा दो नंबर आदमी है, और उसको कोई उसके अगेंस्ट 25,000 लीटर ऑयल शॉर्टेज जिसका कोई अकाउंटेंट नहीं है वो है। मैंने कहा बिल्कुल इसको खींच के रखो तो छोड़ना ना। फिर मैंने उनको बताया जो अफसर थे, मैंने कहा सर वो तो ये मसला है, कहना नहीं नहीं बिल्कुल ठीक किया। तो अब वो वहाँ पे है पिल्फरेज का वो जो ट्रैक मशीन वाला एलिमेंट है ना वो आप बल्कि सॉरी नहीं नहीं डीजल पे मोटर ट्रॉलीज नहीं, मैं ट्रैक मशीन की बात कर रहा हूँ। नहीं वो होता है ना करें ऐसे वो आप अभी याद तो सारी बातें नहीं पता और ना मतलब पता होनी चाहिए तो वो आपको पता चल जाएंगे आपको पता चलेंगी। अच्छा ये इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट है फ्यूल का, तो क्विकली जो है ना वो मैं थोड़ा सा इसको रन थ्रू कर रहा हूँ। किसका देखिए अगर तो आप उस पर जाए ना रियल अकाउंटिंग पे, एक वो जो आप कह रहे हैं ना ऑन कास्ट और जनरल ऑन कास्ट और वो ना
अगर हम रियली अपना पूरा एक्सपेंडिचर हमें देखे ना, पता है जी इस साल हमें 110 अरब रुपया खर्च होना है, तो हम अगर असूली तौर पे तो लॉजिकली ये है कि हम अपने फेयर को 110 अरब के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, वट एवर इट कम्स द फिगर, कि जनाब एसी का किराया लाहौर से कराची 4000 की बजाय 8000 होता है, ऐसे ही होगा ना कि जी ये फेयर अगर हम डबल कर दें, अभी हम 54 मिलियन कमा रहे हैं और खर्चा हमारा 110 अरब है, इसको कैसे हम कर सकते हैं, बड़ा सीधा हिसाब है, फेयर को डबल कर दें तो वी विल बी रीचिंग अराउंड 108-110 मिलियन, ऐसे ही है। तो क्या कोई बंदा हमारी ट्रेन पर ट्रैवल करेगा कि आप कहते हैं कि जी वो तो ऐसे कर दें तो वो निकाल दें खर्चा, तो फिर किसी बंदे का दिमाग खराब है कि वो 32 घंटे में 4-4.5 हज़ार रुपया दे के और सारे रास्ते की मट्टी और धूप और डस्ट और सैंड और वो खा के और गंदे रास्ते के पकौड़े और नान खा के तो 4 हज़ार रुपया दे के 32 या 36 घंटे में पेशावर पहुँचेगा कराची, तो उससे बेहतर वो 2500 रुपया दे के अपने घर के सामने से बैठेगा सीधा पेशावर कराची इन लेस देन 20 आवर्स। देखिए ना, ये तो एक सिंपल इक्वेशन है कि किराया डबल कर दो तो आप मैचिंग हो जाएंगे, लेकिन आप बैठेगा कौन, जो बंदा 7,000 रुपया या 6,000 रुपया एसी का किराया दे के जा रहे हैं वो 12,000 जब देगा तो वो कहेगा जी मैं 10,000 दे के घंटे के बाद अपना कराची के लिए मैं लैंड करूँ। अब रेलवे थोड़ा सा वो कर रही है, प्राइसिंग कौन करता है टिकट, प्राइसिंग द रेट ऑप्शन है वहां पे, गवर्नमेंट का चेक नहीं है, काम तो पहले था, पहले जो था आज से कोई 8-10 साल पहले वो आप गवर्नमेंट से पूछते थे कि हम 5% टिकट बढ़ा रहे हैं 10%, अब हमने मतलब फ्री वो किया हुआ है कि आप 10% बढ़ा दो, डीजल कम हुआ फिर भी 10% बढ़ा रहे हैं, सॉरी देखिए हमारी 85-87% पैसेंजर है इकोनॉमी क्लास का, वो आप किधर अफोर्ड कर सकता है कि जनाब, वो आप कभी देखें ना जो बंदे पेशावर से बैठते हैं वो अपना 2 दिन का खाना तक बेचारे साथ लेके बैठ रहे होते हैं, बिस्तर उन्होंने रखे होते हैं, कंबल रखे होते हैं, क्योंकि किसी तरीके से हम पहुँच जाए, वो क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का इशू है, आपका जो एसी का पैसेंजर है इट इज़ लेस देन 10%, 10% से कम है, तो ये जरा थोड़ा सा इसको आप ना वॉल्टन में वो आपको पढ़ा देंगे ये थोड़ा सा, क्योंकि ये जरा काफी लेंथी है, इसमें एवरेज लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं बाकी वो जरा शायद हम कवर नहीं कर सकते बिकॉज इट नीड्स होल फुल डे एटलीस्ट, वो जब आप वॉल्टन पर जाते हैं तो, और कोई क्वेश्चन अगर कोई है तो वो पूछ लें बाकी, तो सर एग्जाम है ये नहीं, इसको देखें तो सही ना, मतलब पढ़ेंगे भी तो उसको जरा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, यू आर फ्रॉम स्टोर्स क्या है इलेक्ट्रिकल, हाँ इलेक्ट्रिकल वाले तो बिग डिफॉल्टर ऑफ जो है ना वो, वैसे मैं आपको बताऊँ रियली आई रियली फील सॉरी, हमारा मैकेनिकल वाले भी बिल्कुल वो तो है ही है, मैं फर्स्ट मैं अपने से शुरू करूँ, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल का हाल है मैंने आपको वो थोड़ा सा वो हो जाता है बायस किस्म का, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखें जाके, मैंने आपको बताया कि आई हैव टू स्पेयर अ पोस्ट डॉक्टर सॉरी पीजो इलेक्ट्रिसिटी, मैंने यार ये क्या होती है, मुझे तो इस इलेक्ट्रिसिटी से गर्ज है कि जिसका बिल ज्यादा आ रहा है, और इफ आई शो यू द पिक्चर You will be shocked. आपने उसको मतलब ऐसे कैसे छोड़ दिया, he must be needing some court order, वो ये थी डंडे वाली punishment, वो उसको मिलनी चाहिए। Post-lockdown के साथ कोई दर नहीं है। कस क्या है? करो। ये सब। ये बनता है। Story जो सुनाई थी ना उसकी वो पूरे पंपर के।
देखें एक चीज याद रखिएगा, रेस्ट श्योर मैं आपको बताऊं कि आपने आपकी जो रिफाइनमेंट है ना वो ओनली यू योर सेल्फ कैन डू, कि आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर क्या डेवलप करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वेयर एवर यू आर, इन द रेलवे आउटसाइड रेलवे, ये आपके ऊपर अपने ऊपर है कि आप कितना रिफाइन होते हैं। अभी कल मैं ना रिसालपुर में ऐसे ही जस्ट निकला तो वो एक एक ऑफिस मैंने कहा चेक कराओ ना देखूँ क्या है, क्योंकि एक ऑफिसर कह रहा था सर वो मेरे पेंडिंग करवा दें सर वो अप्रूवल दे दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा जरा देखते हैं इसका कमरा। कैन यू बिलीव कि उसका द चेयर ऑन विच ही वॉज सिटिंग जस्ट ऑन टॉप ऑफ इट वो मकड़ी के जाले लगे हुए थे और वो सारी चीज़। तो फिर मैंने वो तीन चार और ऑफिसर भी थे, मैंने कहा कि मुझे ये बता दें कि रेलवे इज पासिंग थ्रू द वर्स्ट टाइम बट वट रिसोर्स यू नीड टू रिमूव दिस। मतलब दे हैव नो आंसर, दे लिटरली हैव नो आंसर। ये आप डीएस ऑफिस पिंडी गए होंगे, इट टुक मी ऑलमोस्ट 4 months टू जिसे कहते हैं ना रीवैम्प दिस ऑफिस, और जब वो सारा गंद मैंने एक एक दफ्तर से निकलवाया तो देयर वर 4 trolleys ट्रैक्टर ट्रॉली के जो पीछे थी, 4 trolleys गंद की थी जो मैंने बाहर फेंकवानी थी। मेरे अपने दफ्तर के बाहर देन आई टुक ओवर द चार्ज वेरी फर्स्ट डे, अब ज़ाहिर उससे पहले भी तो कोई डीएस था या थे, तो मेरे जो मेन डीएस से हुई थी मुलाकात आपकी या नहीं? अच्छा, तो मेरे ऑफिस की एंट्रेंस की डोर के ऊपर जो है एनर्जी सेवर वाज हैंगिंग इन अ लूज वायर, वो जो काली सी तार काला होल्डर और उसके अंदर वो 7 वॉट का एक एनर्जी सेवर वो जो बल्ब लंबा सा फिलिप्स का वो हैंग कर रहा था। मैंने कहा यार ये कोई बंदा नहीं देखता कि ये यहाँ पे अगर ये है तो व्हाट द इंप्रेशन पीपल विल टेक अवे। रेलवे ऐसे तो नहीं ना बदनाम होती, या लोग एक्सपीरियंस करते हैं या फिर जनरल परसेप्शन है ना, हमारी जनरल परसेप्शन ठीक है ना हम ऑन ग्राउंड ठीक है, बट वेयर एवर वी आर वी मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव द थिंग्स, not for the sake of any show off, for yourself, for your satisfaction. Ab ye forum nahi hai but at least I can quote something or some jo value addition which I matlab carried out without any jaise kehte hain to miracle ya koi, it was a normal routine apni labor apna engaged karte, mujhe na wo किसी का वो सपोर्ट चाहिए थी ना मुझे वो कोई अप्रिसिएशन चाहिए थी, बट एटलीस्ट माई कॉन्शियस वाज सेटिस्फाइड कि यार ये पहले नहीं था ये मैंने किया। यू हैव टू सेट, क्योंकि वो जब मैं वो कर रहा था तो मुझे काफ़ी ऑफिसर्स ने कहा कि ये तो फिर जब आप चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, मैंने कहा यार जो आएगा उसको इससे भी बेहतर करना चाहिए, लेकिन अगर वो बहुत ही कोई थका हुआ ऑफिसर होगा तो कम से कम इतना तो मेंटेन करेगा ना वो। अब आप सालपुर टूर करके आए होंगे, अब उसमें मैंने उनको कहा कि जनाब देर आर सर्टन सीरियस ऑब्जर्वेशन, ये मशीनें सफाई करना शुरू कर दी, आपको 1 महीना दे रहा हूँ, 1 महीना में अगर ये मशीनें साफ ना हो That foreman will land at Karachi or Lahore, not less. कोई इससे पीछे का destination नहीं। तो अब उन्होंने थोड़ा सा ये हुआ कि they moved. अब देखे ना उसमें मुझे कोई ना approval की जरूरत है ना, तो ये तो मेरा अपना काम है। और वो 2-3 दफा मैंने कहा हूँ in a polite way, but when they did not जैसे कहते हैं ना कोई respond. तो फिर मैंने कहा कि जी अब 1 महीना है और 1 महीने बाद एटलीस्ट 1 foreman विल लैंड कराची या लाहौर स्टेट अवे।
तो अब वो थोड़ा सा फिर हमें समझ आ गई कि ये तो दूसरी जबान है। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब टफ टाइम भी आता है, बट हाउ यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ये बात की मैनेजमेंट है रियली। बट रेस्ट श्योर इफ यू ऑफ द रेलवेज, तो मैं आई इवन कांट काउंट द कंट्रीज विच आई विजिटेड कि वो बिकॉज ऑफ रेलवेज, वो मतलब मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो रेलवे अच्छी लगती है, इट्स वेरी फन। और बड़ी उसने जब हमने ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले, उसके बाद ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम आज के दिन तक हम कहते हैं कि हमें सिखाया ही रेलवे ने, बट यू हैव टू, वो फिल्मों का डायलॉग है ना, स्वीकार करेंगे तो फिर जाके ये काम चलेगा, लेकिन अगर आप रोते रहेंगे ना तो बिलीव मी, वो जो रोते हैं ना वो छोड़ते भी नहीं रेलवे को, और लगे रहते हैं बस कि जी रेलवे ने दिया क्या है, दिया क्या है, और इसी रिजेंटमेंट में वो नौकरी पूरी कर जाते हैं, छोड़ते भी नहीं है, अच्छा कंट्रीब्यूट भी कुछ नहीं करते, और फिर एंड में कहते हैं वो जी रेलवे ने हमें दिया ही क्या, वो जी क्या है ये है ये करके, तो वो दे जस्ट। तो वो हमारे पुलिस था, तो मैंने कहा जी आपने रेलवे ने आपको क्या देना था, आप देखे ना जिस जगह रह रहे हैं, इन गुड हाउस, बंदे आपने रेलवे के रखे हुए हैं, बाकी गाड़ी पे आप आते हैं जाते हैं, आपने रेलवे को क्या दिया। तो ये थोड़ा सा है देखें, इंकरेजमेंट आएगी इफ यू वर्क हार्ड, रेस्ट श्योर। मैंने आपको डे वन से कहा था कि आप, मैंने आपको बिल्कुल कोई इसमें ना एग्जीजेशन बताई है और ना आपको, इफ यू आर गुड रेस्ट श्योर यू विल बी गुड इन द होल सिस्टम, ये आपको मैंने डे वन से कहा था। अगर आप अच्छे हैं तो पूरे सिस्टम पे आप अच्छे होंगे, इफ यू आर बैड परफॉर्मर यू विल बी रिप्यूटेड लाइक दिस, रेस्ट श्योर। लेकिन आप इसको मतलब कोई बहुत रोजी पिक्चर दिखाना या कोई मतलब आपको कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, मैं नहीं समझता कि स्टेज पे देना चाहिए, जो है रियलिटी वो है आपके सामने, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। मैं तो अपने आप को आई फील ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दिस रेलवे, राइट। तो बाकी ये है कि इंकरेजमेंट यही है कि अगर कोई भी गाना इंकरेज करे तो जस्ट वो जैसे कहते हैं ना वो इंट्रोस्पेक्शन करके देखें, तो आप इफ यू आर सेटिस्फाइड बस दिस इज द एनकरेजमेंट। अगर दूसरा भी कोई करता है वो करेगा, क्यों नहीं करेगा, लेकिन अगर आप खुद सेटिस्फाई होंगे ना तो रेस्ट श्योर कि वो आप जब अच्छा करेंगे ना रेलवे के लिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप तो खुद ही फील होगी प्राउड, प्राइड, और एक कॉन्शियंस आपका क्लियर होगा ना तो फिर आप। लेट्स सी, तो ये फिर असाइनमेंट जमा कराइएगा, हां जी वो फिर आ जाएगी आई होप सो। नेक्स्ट वीक या सर वीक सॉरी नखल, आई आई 10 डेज इज गुड एनफ। वो फिर आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिएगा, नहीं वो मैंने उनको 10 डेज दे दिया है, तो वो 10 डेज में हल 5 दिन में कितना आप कह रहे हैं 15 दिन में 5 तो ये बंद नहीं करते 10 दिन 5 दिन हाँ, तो मेरे मैंने 10 दिन का उन्हें कहा, तो मेरे ये हो ही जाएगा कोई ऐसा, वो जरा एक छुट्टी अपनी कोई सेक्रीफाइस कर लीजिएगा। तो लेकिन हम अंदर असाइनमेंट बनाते रहते हैं पूरा दिन, बट रेस्ट श्योर इवन मेकिंग एन असाइनमेंट सच सच एज सीन एंड नाइस प्लेस, ये भी एंटरटेनमेंट ही है, ये वो कोई सजा नहीं है, ये भी एंटरटेनमेंट है, बिलीव मी। चले जी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। वो मिल गया जी, ओह।
जी जी कमेंट मीटिंग के लिए